नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इसमें हम लोग देखेंगे मशीनन यानी कि मशीनिंग पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे चैप्टर के बारे में देखेंगे, जैसे लेथ, इंजन लेथ, फिर इसके बाद टूल ज्योमेट्री, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में, फिर इसके बाद जो टर्निंग, फेसिंग, टेपर, टर्निंग, कटिंग, नर्लिंग, फार्मिंग, सेपर, जो कुछ भी होता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे लेथ मशीन के बारे में। तो यहाँ पर है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेथ और इट्स टाइप। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एन एक्यूरेट लेथ इन इंडिया इज आइडेंटिफाइड एज। भारत में एक सटीक लेथ की इस रूप में पहचान की जाती है। ऑप्शन है मार्क फर्स्ट, एक्यूरेट फर्स्ट, ग्रेट फर्स्ट, प्रिसीजन फर्स्ट। तो भारत में एक सटीक लेथ के रूप में पहचान की जाती है ग्रेट फर्स्ट। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेट फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, लेथ मैंड्रिल्स कैन बी टर्म्ड एज। खराद मैंड्रिल का डट 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 कहा जाता है। तो खराद मैंड्रिल का क्या कहा जाता है? ऑप्शन है टेम्पलेट, गेज, फिक्सचर, जिग। तो खराद जो होता है यह मैंड्रिल का फिक्सचर कहलाता है। खराद मैंड्रिल का फिक्सचर कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फिक्सचर। तीसरा क्वेश्चन है, लेथ एसेसरीज आर डिवाइस एडेड टू ए लेथ टू इम्प्रूव इट। खराद सहायक उपकरण इसके डट 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 में सुधार करने के लिए एक खराद में जोड़े गए उपकरण हैं, मतलब फिनिशिंग। ऑप्शन है फिनिशिंग, वर्सेटिलिटी, डेप्थ और फीड। तो खराद सहायक उपकरण के लिए जो वर्सेटिलिटी होता है, वर्सेटाइलिटी में सुधार करने के लिए खराद में जोड़े गए उपकरण हैं होते हैं। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा वर्सेटिलिटी। चौथा क्वेश्चन है, द पॉइंट एंगल ऑफ डट 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 इज। किसका पंच का बिंदु कोण 90 डिग्री होता है? ऑप्शन है सेंटर पंच, स्टार्टिंग पंच, प्रिक पंच, पिन पंच। तो जो हमारा होता है सेंटर पंच, इसका 90 डिग्री होता है पॉइंट एंगल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटर पंच। इसको रटने के लिए होता है पी डी सी, प्रिक डॉट सेंटर। पी से प्रिक, डी से डॉट, सी फॉर सेंटर। और इसको रट लीजिए 30 और 60 और 90। प्रिक डॉट सेंटर, 30 60 90, ऐसे आप रट सकते हैं। तो सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री और प्रिक का होता है 30 डिग्री और डॉट का जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंटर पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। पाँचवा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज़ ए पॉइंट एंगल ऑफ। मानक ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? ऑप्शन है 68 डिग्री, 92 डिग्री, 118 डिग्री, 122 डिग्री। तो जो मानक ग्राउंड ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है वो होता है 118 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैकेलाइट तथा प्लास्टिक का होता है 90 डिग्री और माइल्ड स्टील तथा पीतल का होता है 118 डिग्री। और जो हार्ड स्टील तथा निकेल अलॉय का होता है उसका पॉइंट एंगल होता है 135 डिग्री। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लेथ सेंटर इज। लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। सामान्यतः जो खराद केंद्रों के बीच का जो कोण होता है 60 डिग्री रखा जाता है। टेल स्टॉक की स्पिंडल और हेड स्टॉक की स्पिंडल एक ही अक्ष पर होनी चाहिए। कभी कभी टेपर आदि काटने के लिए टेल स्टॉक की स्पिंडल को आधार के लंब रूप थोड़ा हटाना पड़ता है। सातवें नंबर क्वेश्चन है, इन ए लेथ मशीन बैक गियरिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड टू। खराद की मशीन में पश्च गियरिंग व्यवस्था निम्न के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो
यह जो उपलब्ध कराई जाती है ये ऐसी चाल की अधिक संख्या में प्राप्त करना जो परिणाम में न्यून हो, इसके लिए किया जाता है। यानी कि खराद की मशीन में पश्च गियरिंग व्यवस्था जो कराई जाती है वो ऐसी चाल अधिक संख्या में प्राप्त करना जो परिणाम में न्यून हो, इसके लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्टेन मोर नंबर ऑफ स्पीड विच आर लोअर इन मैग्नीट्यूड, जिसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, इन ए लेथ एप्रन इज टू कंट्रोल द मोमेंट ऑफ, एक खराद में एप्रन किसके गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है चक, टेल स्टॉक, कैरेज, हेड स्टॉक। तो जो एप्रन होता है वो कैरेज के गति को नियंत्रित करता है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कैरेज। खराद में जो एप्रन होता है वो कैरेज के गति को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। नौवां क्वेश्चन है, लेथ बेड इज विजुअली मेड ऑफ, लेथ बेड आमतौर पर किसका बनाया जाता है। ऑप्शन है स्ट्रक्चरल स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो जो लेथ बेड होता है ये आमतौर पर बनाया जाता है कास्ट आयरन का, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कास्ट आयरन। 10 नंबर क्वेश्चन है, नो लुब्रिकेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन कटिंग थ्रेड इन, थ्रेड कटिंग के दौरान इनमें से किसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील। जो थ्रेड कटिंग के दौरान जिसमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती है वो रहता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कोई भी थ्रेडिंग करते समय लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप लोगों को अगर ढलवा लोहा करना है, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, इसमें आमतौर पर जो किया जाता है उपयोग कटाई तरल, वो सूखा या कम श्यानता वाले तेल का भी कर सकते हैं। मृदु लोहा जो होता है ये घुलनशील तेल या इमल्सन का प्रयोग करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए टिपिकल मैकेनिकल प्रेस, निम्न में से कौन सा सामान्य यांत्रिक प्रेस का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है फ्लाई व्हील, क्रैंक, एक्सेट्रिक या अन्य ड्राइविंग तंत्र, रैम, सैडल और स्वीवेल टेबल। सामान्य यांत्रिक प्रेस का हिस्सा जो नहीं है वो है कि सैडल और स्वीवेल टेबल, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सैडल और स्वीवेल टेबल ये यांत्रिक प्रेस का हिस्सा नहीं है। यांत्रिक प्रेस के भाग होते हैं जैसे कि आधार हो गया, रैम हो गया, बोलसट प्लेट हो गया है, क्रैक हो गया है, उत्केंद्रित हो गया, ब्रेक हो गया, फ्रेम हो गया, पिटमैन, गतिपालक, पहिया, क्लच, ये सब आते हैं यांत्रिक प्रेस के हिस्से में। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज टू अलाइन द लेथ टूल विथ द वर्क, कार्य के साथ खराद उपकरण को संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, थ्रेड गेज, स्ट्रेट गेज, सेंटर गेज। तो कार्य के साथ खराद उपकरण को संरेखित करने के लिए जो गेज उपयोग किया जाता है वो रहता है सेंटर गेज, जिसका डी ऑप्शन से हो जाएगा सेंटर गेज। सेंटर गेज का प्रयोग लेथ टूल और कार्यखंड को अलाइन करने के लिए किया जाता है। यह एक कार्बन की पत्ती में विभिन्न कोणों को काटकर बनाया जाता है और साधारणतः यह कोण 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47.5 डिग्री के होते हैं। लेथ के थ्रेडिंग टूल की परिशुद्धता में चेक करने के लिए सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर डायामीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वर्क पीस रोटेट एट 200 RPM एक्सियल फीड इज 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन, द टाइम टेकन टू मशीनिंग इज। 6 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर लंबा कार्यखंड 200 RPM की गति से घूमता है और अच्छी यह भरण 0.1 mm प्रति फेरा है, तो मशीनन में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि टी इक्वल टू होता है एल बाई एफ एन। यहाँ टी है मशीनन में लगा हुआ समय और एल है कार्यखंड की लंबाई mm में और एफ है फीड और एन है मशीनन गति। तो इस फार्मूले से हम लोग अगर लगाएंगे तो इसमें जो एल का मान दिया है ये दिया है 200 mm और एन का मान भी दिया है 200 mm,
ये जो 20 सेंटीमीटर दिया है इसको हम लोग एमएम में करेंगे, तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई, और ये जो मशीनन गति दिया है ये भी हो जाएगा 200 RPM, और ये जो दिया है फीड ये 0.1 है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 मिनट आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा 10 मिनट। चौदह नंबर क्वेश्चन है, द स्पिंडल स्पीड रेंज इन ए जनरल पर्पज लेथ इज डिवाइडेड इनटू स्टेप विच अप्रॉक्सीमेटली फॉलोज। एक सामान्य उद्देश्य वाले लेथ मशीन में स्पिंडल की गति परास्त स्टेजों में विभाजित होता है तो लगभग कितने का अनुसरण करता है? ऑप्शन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, लॉगरिथमिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जो एक सामान्य उद्देश्य वाले लेथ मशीन में स्पिंडल की गति परास्त स्टेजों में विभाजित होता है जो लगभग गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अनुसरण करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, खराद का कौन सा घटक निम्नलिखित प्रयोजन पूर्ण करता है? ऑप्शन है एक बाहरी बियरिंग देना और केंद्रों पर परिपत्र कार्य समर्थन करना, और दूसरा है कि धुरी केंद्र के संबंध में संरेखण या गैर संरेखण के लिए सेट या समायोजित करना, और काम के एक छोर को समर्थन देने के लिए मृत केंद्र नामक केंद्र को साथ रखना। इसका सही ऑप्शन है टेलीस्टॉक, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा टेल स्टॉक। सोलह नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग विच मेथड ए मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज कट ऑन ए लेथ। किस विधि का प्रयोग एक खराद पर एक बहु प्रारंभ चूड़ी काटा जाता है? ऑप्शन है बाय चेज, बाय ए सिंगल पॉइंट टूल, बाय डाई हेड, बाय ए स्प्लिट डाई। तो जो किसी खराद का प्रयोग करके एक बहु प्रारंभ चूड़ी काटा जाता है वो रहता है सिंगल पॉइंट टूल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिंगल पॉइंट टूल द्वारा खराद पर एक बहु प्रारंभ चूड़ी काटा जाता है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, द ग्रूव्स ऑन द ड्रिल आर कॉल्ड। ड्रिल पर ग्रूव को क्या कहा जाता है? ड्रिल पर ग्रूव को क्या कहा जाता है यानी कि द ग्रूव्स ऑन द ड्रिल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन है टैंग, लैंड, फ्लूट, बॉडी सेंटर। तो यह कहलाता है फ्लूट। ड्रिल पर ग्रूव को हम लोग बोलते हैं फ्लूट। ड्रिल पर बने खांचे को फ्लूट कहते हैं। ड्रिल में फ्लूट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कटाई के दौरान चिप को निकलने के लिए मार्ग प्रदान किया जा सके तथा टूल को कटिंग क्रिया के दौरान लुब्रिकेशन की भी व्यवस्था की जा सके। 18 नंबर क्वेश्चन है, द मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ थ्रेडिंग कैन बी डिफाइंड एज। थ्रेडिंग के मशीन ऑपरेशन को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है छेद के चारों ओर सतह की चौरसाई और चौकोर बनाना, छोटे व्यास के छेद का आमापन एवं समापन, और सी है खोखला काटने के उपकरण की परिधि के संलग्न धातु को हटाकर एक छेद बनाना, और डी है बाह्य बेलनाकार सतह पर कुंडलीदार यानी कि हेलिकल खांचे काटना। तो जो थ्रेडिंग के मशीनिंग ऑपरेशन के लिए जो सही परिभाषित करता है वो करता है कि बाह्य बेलनाकार सतह पर कुंडलीदार खांचे काटना यानी कि कटिंग हेलिकल ग्रूव ऑन द एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। 19 नंबर क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ द वर्कपीस पर डबल स्ट्रोक इन कटिंग स्पीड इज कॉल्ड। कर्तन गति की प्रति द्वि स्ट्रोक कार्यखंड की चाल क्या कहलाती है? ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, मिलिंग, ग्रूविंग, फीड। तो कर्तन गति में प्रति द्वि स्ट्रोक कार्यखंड की चाल भरण कहलाती है यानी कि फीड कहलाती है, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा फीड। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाउ जॉ यूज्ड इन सेल्फ सेंटरिंग चक। स्वतः केंद्रित चक में कितने जबड़े होते हैं यानी कि सेल्फ सेंटरिंग चक किसे बोलते हैं और उसमें कितने जबड़े होते हैं? तो जो तीन जबड़ा वाला रहता है इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक,
इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 3। सेल्फ सेंटरिंग चक में 3 जबड़े होते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, कॉलेट आर आल्सो कॉल्ड एज, कॉलेट को और क्या भी कहा जाता है? ऑप्शन है वायर चक्स, कम्बिनेशन चक, सेल्फ सेंटरिंग चक, एयर चक। तो कॉलेट चक को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्फ सेंटरिंग चक। कॉलेट को हम लोग सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जा सकता है। कॉलेट चक है क्या कि खरात पर कार्यखंड को पकड़ने तथा घुमाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपा साधन है। सामान्यतः 12 mm व्यास तक के सिलेंडरिकल कार्यखंडों को कॉलेट चक द्वारा सुगमता से तथा कम समय में ही पकड़ा जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच कॉलेट सीट डायरेक्टली इन द स्पिंडल, किसके लिए स्पिंडल में सीधे कॉलेट सीट होती है? ऑप्शन है टूल रूम लेथ, बेंच लेथ, मैन्युफैक्चरिंग लेथ, स्पेशल पर्पज लेथ। तो जो विशेष उद्देश्य खराद यानी कि स्पेशल पर्पज लेथ होती है उसके लिए स्पिंडल में सीधे कॉलेट सीट होती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पेशल पर्पज लेथ। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेथ ऑपरेशन इज नॉट डन एन ए वर्क पीस हेल्ड इन बिटवीन सेंटर, केंद्रों के बीच आयोजित कार्यक्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सा खराद संचालन नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है पार्टिंग ऑफ, अंडर कटिंग बाई पलगिंग, थ्रेड कटिंग, नर्लिंग। तो केंद्र के बीच आयोजित कार्यक्षेत्र पर जो खराद पर संचालित नहीं किया जा सकता है वो रहता है कि पार्टिंग ऑफ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्टिंग ऑफ। केंद्रों के बीच आयोजित कार्य क्षेत्र पर पार्टिंग ऑफ खराद संचालन नहीं किया जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कटिंग स्पीड फॉर कटिंग टूल मटेरियल, कर्तन टूल सामग्री के लिए कर्तन गति को बढ़ाने का क्रम इनमें से कौन सा है? तो इनमें से जो क्रम होता है यह रहता है कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सॉलिड टंगस्टन कार्बाइड, सिरेमिक और डायमंड। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बता देते हैं कि आपको कि हाई कार्बन स्टील की जो कटाई गति होती है यानी कटिंग स्पीड होती है ये होती है 10 मीटर पर मिनट, और जो हाई स्पीड स्टील है इसकी होती है 30 मीटर पर मिनट, और ये जो सिरेमिक होता है सिरेमिक का होता है 200 से 600 मीटर पर मिनट, और जो डायमंड होता है ये होता है 1000 मीटर पर मिनट अलौह धातुओं के लिए। ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क होल्डिंग डिवाइस इन ए लेथ, निम्न में से खराद में वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है मैंड्रिल, फॉलोवर रिसेट, फॉलोवर रेस्ट, फेस प्लेट, टूल पोस्ट। तो इनमें से जो वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है खराद की वो है टूल पोस्ट, टूल पोस्ट खराद में वर्क होल्डिंग डिवाइस नहीं है, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, टूल पोस्ट। खराद में एसेसरीज एक ऐसी युक्ति होती है जिनका उपयोग कार्य तथा औजार को पकड़ने व टेकने के लिए किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सेट ओवर ऑन ए लेथ डिपेंड्स अपॉन, सेट ओवर ऑन ए लेथ डिपेंड्स अपॉन, लेथ पर सेट ओवर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है डायमीटर ऑफ वर्क पीस, अमाउंट ऑफ टेपर, लेंथ ऑफ वर्क पीस, रैक एंगल। तो लेथ पर जो सेट ओवर होता है यह निर्भर करता है अमाउंट ऑफ टेपर पर, यानी कि टेपर के मान पर निर्भर करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टेपर। और ये जो टेपर निकाला जाता है यह निकाला जाता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन स्मॉल एल से, जहाँ पे इस्माल जहाँ पे ये जो यल होता है यह होता है कि टेपर व्यास में परिवर्तन तथा लंबाई का जो अनुपात होता है इसी को हम लोग बोलते हैं
27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द इन सेल्फ सेंटर्ड चक, स्व केंद्रित चक में जबड़ों की संख्या कितनी होती है। तो सेल्फ सेंटरिंग चक में जो जबड़ों की संख्या होती है वो रहती है 3, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 3। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मैच करना है इसमें आपको, और इसमें आपको दिया है ऑप्शन आपको मिलान करने के लिए, तो आपको मिलान का एक तरफ है लेथ सेपर ड्रिलिंग मशीन और है मिलिंग मशीन, और एक तरफ है फ्लूट यूनिवर्सल इंडेक्सिंग लीड स्क्रू राकर आर्म। तो ये जो लेथ है ये जाएगा हम लोगों को लीड स्क्रू से, जो सेपर है सेपर जाएगा राकर आर्म से, सेपर में राकर आर्म होता है और लेथ में लीड स्क्रू होता है, और जो ड्रिलिंग मशीन होता है ड्रिलिंग मशीन में होता है फ्लूट। तो ये तीसरे ये पहले से चला जाएगा, तीसरा सी वाला पहले से, और ये लास्ट में जो बचा है मिलिंग मशीन ये चला जाएगा यूनिवर्सल इंडक्शिंग से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2। 29 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ पार्ट टू सपोर्ट द टूल पोस्ट एंड स्वीवेल ऑन द क्रॉस स्लाइड टू एनी एंगल। किसी भी कोण पर क्रॉस स्लाइड पर टूल पोस्ट और स्वीवेल का समर्थन करने के लिए भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है फेस प्लेट सैडल कंपाउंड रेस्ट स्पिंडल। तो किसी भी कोण पर क्रॉस स्लाइड पर टूल पोस्ट और स्वीवेल का समर्थन करने के लिए जो भाग का नाम है वो है कंपाउंड रेस्ट, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट। यह क्रॉस स्लाइड पर लगा रहता है, इसमें एक स्वीवेल बेस तथा टूल पोस्ट स्लाइड सम्मिलित रहता है, और स्वीवेल बेस सीधे क्रॉस स्लाइड की ऊपरी सतह पर लगा होता है। इसके दो सेट स्क्रूओं को ढीला करने से इसके किसी भी आवश्यक कोण पर घुमाकर और सेट स्क्रू कसकर स्थिर किया जा सकता है। यह एक प्रकार का टेपर पर खरादने के काम आता है। थर्टी नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर कैपेस्टन लेथ। कैपेस्टन लेथ के लिए निम्न में से कौन सा एक गुण सही है। ऑप्शन है रेट ऑफ प्रोडक्शन इज लो, यानी कि उत्पादन की दर कम होती है, लेबर कॉस्ट इज हाई, यानी कि मजदूरों की मजदूरी अधिक लगती है, और सी है यूज्ड फॉर हैंडलिंग जॉब फॉर वेयरिंग सेपर्स शेप्स एंड साइज, विभिन्न आकृति एवं आकार की जॉब पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन है कैपेस्टन हेड इज माउंटेड ऑन ए साइड, कैपेस्टन शीर्ष एक स्लाइड पर माउंट है। तो ये इसका यही ऑप्शन से हो जाएगा डी वाला। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है आप शेयर कर दीजिए, हमारा सपोर्ट करिए, थोड़ा हमें भी इच्छा करेगी हाँ चलिए आपको पढ़ाएं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएँ। तो जिन लोगों ने शेयर किया उनके लिए थैंक यू स्पेशल में, और जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दें। 31 नंबर क्वेश्चन है, ए लीड स्क्रू विथ हाफ नट इन ए लेथ फ्री टू रोटेट इन बोथ डायरेक्शन है। एक लेथ में हाफ नट के साथ एक लीड स्क्रू जो दोनों दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है क्या रखता है। ऑप्शन है वी थ्रेड व्हिटवर्थ थ्रेड बटरेस थ्रेड एक्मी थ्रेड। तो एक लेथ में हाफ नट के साथ एक लीड स्क्रू जो दोनों दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है वो एक्मी थ्रेड रखता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा एक्मी थ्रेड। एक लेथ में हाफ नट के साथ एक लीड स्क्रू जो दोनों दिशाओं में घूमने के लिए स्वतंत्र होता है उसमें एक्मी थ्रेड बना होता है। एक्मी या समतल समलंबाकार चूड़ी थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का सुधरा हुआ रूप है। एक्मी थ्रेड की दक्षता स्क्वायर थ्रेड से थोड़ा कम होता है लेकिन इसका कर्तन में क्षेत्रफल अधिक होता है। इसका प्रयोग लेथ मशीन में लीड स्क्रू में किया जाता है, और एक्मी थ्रेड में चूड़ियों का जो एंगल होता है ये होता है 29 डिग्री। ये जो होता है एक्मी थ्रेड में जो चूड़ी कोण होता है ये होता है 29 डिग्री। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर का,
फार कटिंग अ ब्रश विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन ए लेथ, टूल शुड हैव लेथ पर एकल बिंदु कटिंग औजार द्वारा पीतल की कटाई करने के लिए औजार को रखना चाहिए। ऑप्शन है निगेटिव रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, जीरो साइड रिलीफ एंगल। तो लेथ पर एकल बिंदु कटिंग औजार द्वारा पीतल की कटाई करने के लिए जो औजार को रखते हैं हम लोग रखते हैं जीरो रैक एंगल पे। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा जीरो रैक एंगल। पीतल पर मशीनिंग करने के लिए एकल बिंदु कटिंग औजार का रैक एंगल शून्य रखा जाता है, जबकि मुलायम और तन्य पदार्थों के लिए धनात्मक रैक एंगल रखा जाता है, कठोर तथा भंगुर पदार्थों के लिए ऋणात्मक रैक एंगल रखा जाता है। अभी 33 नंबर क्वेश्चन है कि ये 100 mm की लंबाई के लिए क्रम सूक्ष्मक की राशि को ज्ञात कीजिए। कैपिटल डी दिया है 90 mm, डी दिया है 80 mm। इसके लिए हम आपको पहले ही फार्मूला बता दिए कि ये जो टेपर का अनुपात होता है ये होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 90 - 80/100। ये हम लोग निकालेंगे, ये 1:2:20 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 10/100 आ जाएगा। ये कट जाएगा 1:10, या इसी को हम लोग 2:20 भी लिख सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 2:20। 34 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टेपर इज 1:20 लेंथ ऑफ वर्क पीस विल बी कैपिटल डी इक्वल टू 80 mm एंड स्मॉल डी इक्वल टू 70 mm दिया है। तो टेपर की राशि 1:20 है, कारखंड की लंबाई क्या होगी यदि कैपिटल डी इक्वल 80 mm और डी इक्वल टू 70 mm दिया है। इसके लिए जो कारखंड की लंबाई का फार्मूला जो होता है ये रहता है कि 1/x इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपन एल। इससे इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे तो ये जो x का मान दिया है 20, एक ये जो 1/x का मान दिया है ये है टेपर की राशि का, यानी कि ये 1/20 हो जाएगा। और ये कैपिटल डी मतलब दिया है 80 - 70 हो जाएगा, बटे एल का मान हम लोगों को निकालना है तो इससे हम लोग निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 200 mm। इसे आप लोग हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा 200 mm आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 200 mm। 35 नंबर क्वेश्चन है, द लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ हैज, एक खरात का लीड स्क्रू क्या रखता है। ऑप्शन है सिंगल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट, डबल स्टार्ट, एनी वन ऑफ दीज। तो ये रखता है सिंगल स्टार्ट, जिसका ये ऑप्शन से हो जाएगा सिंगल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट में क्या होता है कि लीड इक्वल टू पिच होता है, डबल स्टार्ट में लीड इक्वल टू होता है 2x पिच होता है, और ट्रिपल स्टार्ट में होता है लीड का मान 3x पिच होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि टम्बलर गियर इन लेथ आर यूज्ड टू, खराद में टम्बलर गियर का क्या काम होता है आपको बताना है। ऑप्शन है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, यानी कि स्पिंडल स्पीड को कम करने के लिए लगाया जाता है, कट गियर यानी कि गियर को काटने के लिए, सी है गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट टू द लेथ कैरेज, लेथ कैरेज में घूर्ण को वांछित दिशा देने के लिए, डी है ड्रिल ए वर्क पीस कारखंड में छिद्र करने के लिए। तो खराद में जो टम्बलर गियर रहता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं कि लेथ कैरेज में घूर्ण को वांछित दिशा देने के लिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गिव डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट टू द लेथ कैरेज। 37 नंबर क्वेश्चन है, द लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विद, खराद स्पिंडल आमतौर पर खोखले बनाए जाते हैं और साथ में क्या प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है इंटरनल टेपर, इंटरनल है एक्सटर्नल टेपर, एक्सटर्नल टेपर, नो टेपर।
तो खराद स्पिंडल आमतौर पर खोखले बनाए जाते हैं और साथ में इंटरनल टेपर प्रदान किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल टेपर प्रदान किया जाता है। आंतरिक टेपर बनाने के कारण होते हैं, जैसे खराद मशीन में स्पिंडल को खोखला इसलिए बनाया जाता है जिसमें लंबी कार्यखंड को भी लेथ मशीन पर आसानी से पकड़ा जा सके और उत्पादन कार्य किया जा सके, और साथ ही उसमें आंतरिक टेपर इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि लंबी कार्यखंड को कसकर सुविधापूर्वक पकड़ा जा सके। 38 नंबर क्वेश्चन है, द गाइड वेज आर ऑफ, गाइड मार्ग क्या है? ऑप्शन है फ्लैट टाइप, डक्टल टाइप, वी टाइप और डी है एनी वन ऑफ दीज। तो जो गाइड मार्ग है वो रहता है इनमें से कोई भी, यानी समतल, डवटल या भी प्रकार के होते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एनी वन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। 39 नंबर क्वेश्चन है, द टेपर ऑन द लेथ स्पिंडल इज, खराद स्पिंडल का टेपर कितना होता है? तो खराद स्पिंडल का जो टेपर होता है ये 20 में 1 का टेपर होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 20 में 1 का टेपर, यानी कि 1 in 20। चालीस नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लेथ सेंटर इज, खराद केंद्रकों के बीच का एंगल कितना होता है? ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो सामान्यतः खराद केंद्रों के बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। 41 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड इज इक्वल टू, वेयर डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जब इन एमएम, कैपिटल एन इक्वल टू स्पिंडल और जब स्पीड इन आरपीएम। काटने की गति इसके बराबर होगी जहां डी इक्वल टू एमएम में है कार्य का व्यास, यानी इक्वल टू स्पिंडल या आरपीएम में कार्य की गति है, जिसके लिए जो फार्मूला होता है ये होता है पाई डी एन अपन 1000। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइडियन बटे 1000, मीटर पर मिनट में होता है ये। 42 नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए लेथ द लोवेस्ट स्पीड इज अडॉप्टेड, यानी कि निम्न में से किस संक्रिया के दौरान खराद मशीन की चाल सबसे न्यूनतम होती है? ऑप्शन है प्लेन टर्निंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड टर्निंग, अंडर कटिंग। तो खराद मशीन की चाल सबसे न्यूनतम तब होती है जब उस पर हम लोग थ्रेड टर्निंग करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा थ्रेड टर्निंग। थ्रेड टर्निंग के दौरान खराद मशीन की स्पिंडल चाल सबसे न्यूनतम रखी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल सर्फेस इन द लेथ इज, संचालिका की प्रकृति जो खराद में बेलनाकार सतह बनाने के लिए आवश्यक हो क्या है? प्लेन कर्व, सर्कुलर, इंक्लाइंड लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो संचालिका की प्रकृति जो खराद में बेलनाकार सतह बनाने के लिए आवश्यक हो ये है स्ट्रेट लाइन, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, संचालिका की प्रकृति जो खराद में बेलनाकार सतह बनाने के लिए आवश्यक हो वो एक सीधी रेखा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, द थ्रेड्स ऑन द लेड स्क्रू ऑफ ए लेथ आर कॉल्ड, खराद मशीन के लेड स्क्रू पर जो थ्रेड बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, बटरस थ्रेड। तो खराद मशीन के लेड स्क्रू पर जो थ्रेड बना होता है वो रहता है एक्मी थ्रेड, और एक्मी थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री। इसका प्रयोग लेड स्क्रू में किया जाता है एक्मी थ्रेड का, जिसका अधिकतर प्रयोग शक्ति पारेषण में किया जाता है, जिससे स्प्लिट नट को आसानी से संलग्न और अलग करके ऑटोमेटिक फीड ली जा सकती है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कैपेसिटल लेथ इज आल्सो नोन एज, कैपेसिटल लेथ को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है टरेट लेथ, इंजन लेथ, रैम टाइप लेथ, कैम टाइप लेथ। तो कैपेसिटल लेथ को हम लोग रैम टाइप लेथ के नाम से भी जानते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रैम टाइप लेथ। 46 नंबर क्वेश्चन है, द मटेरियल कॉमनली यूज फॉर मेकिंग मशीन टूल बेड इज, मशीन टूल के बेड बनाने में
प्रायः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, ब्रास, कास्ट आयरन। तो मशीन टूल के बेड बनाने के लिए जो प्रयुक्त होने वाला पदार्थ रहता है वो रहता है कास्ट आयरन। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कास्ट आयरन। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाई। खराद पर किसी लंबी शाफ्ट को खरादते समय उसे बंकन से कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शन है रनिंग द शाफ्ट एट लो स्पीड, यानी कि शाफ्ट की गति को धीमा चलाकर, यूजिंग हाई स्पीड यानी कि तेज़ गति का प्रयोग करके, सी है यूजिंग स्टडी मशीन यानी कि स्थिर मशीन का प्रयोग करके, डी है यूजिंग स्टडी रेस्ट यानी कि स्थिर टेक का प्रयोग करके। तो खराद पर किसी लंबी शाफ्ट को खरादते समय उसे बंकन से बचाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, यूजिंग रेस्ट स्टडी, यूजिंग स्टडी रेस्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ मशीनिंग टूल। कौन सा इनमें से मशीन टूल का कैटेगरी नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है जनरल पर्पज मशीन, स्पेशल पर्पज मशीन, लिमिटेड पर्पज मशीन, मल्टीपर्पज मशीन। तो मशीनी औजार के अंतर्गत जो नहीं है वह है मल्टीपर्पज मशीन। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बहुउद्देशीय मशीन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कैन बी यूज टू इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ एन इंजन लेंथ, यानी कि इंजन लेंथ की क्षमता को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सी विमाओं का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी, और दूसरा है मैक्सिमम बोर डायमीटर ऑफ स्पिंडल यानी कि स्पिंडल का अधिकतम बोर व्यास, और तीसरा है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क अकोमोडेटेड ओवर द बेड यानी कि बेड पर अधिकतम व्यास के कार्यखंड का समायोजन, और चौथा मैक्सिमम डायमीटर ऑफ वर्क अकोमोडेटेड ओवर द कैरेज यानी कि कैरेज पर अधिकतम व्यास के कार्यखंड का समायोजन, और पांचवा है नंबर ऑफ फीड एंड फीड रेंज यानी कि फीडों की संख्या तथा परिसर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है, इन लेथ द कैरेज एंड टेल स्टॉक आर गाइडेड ऑन। लेथ में कैरेज और टेल स्टॉक को कौन निर्देशित करता है? ऑप्शन है सेम गाइड वे यानी कि समान निर्देश तरीके से, बी है डिफरेंट गाइड वेज, सी है नॉट गाइडेड ऑन गाइड वेज, डी है बोथ ए एंड बी। तो लेथ में कैरेज और टेल स्टॉक को निर्देशित करने के लिए सेम गाइड वे यानी समान निर्देशन तरीके से विभिन्न निर्देशक तरीके दोनों तरह से किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त ए एंड बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ। नर्लिंग कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है कटिंग स्मूथ कॉलर यानी कि चिकने कॉलर काटना, अंडर कटिंग, रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप यानी कि हाथ को पकड़ के लिए सतह खुरदरा करने के लिए, और डी है इन लार्जिंग होल्स यानी छिद्र आकार बढ़ाने में। तो नर्लिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हाथ की पकड़ के लिए सतह को खुरदरा किया जाता है, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, हाथ की पकड़ के लिए सतह खुरदरा करने का एक विधि है नर्लिंग प्रक्रिया। 52 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड इन टर्निंग ऑपरेशन वुड बी लीस्ट इन केस ऑफ। खराद टर्निंग कार्य में निम्न में से किसकी काटने की गति सबसे कम होगी? ऑप्शन है एल्युमिनियम एलॉय, MCS यानी कि माइल्ड मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो खराद कार्य में सबसे गति जो कम होती है वो रहती है मीडियम कार्बन स्टील में रखी जाती है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्पीड कार्बन स्टील में जो स्पीड होती है ये 18 से 24 मीटर प्रति मिनट रखा जाता है, और जो एल्युमिनियम है एल्युमिनियम के लिए 75 से 105 रखा जाता है,
और जो माइल्ड स्टील है इसके लिए 30 से 38 रखा जाता है, और स्टेनलेस स्टील है जो ये 23 से 40 रखा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग द बेवलिंग द स्ट्रीमी एंड ऑफ ए वर्क पीस इज नोन एज। कार्य के टुकड़ों को अंतिम सिरे को प्रवण करने का कार्य क्या कहलाता है? ऑप्शन है चैम्फरिंग, ग्रूविंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। तो कार्य के टुकड़ों को अंतिम सिरे पर प्रवण करने का क्रिया कहलाता है चैम्फरिंग। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा चैम्फरिंग। फिफ्टी फोर नंबर क्वेश्चन है, ए हाफ नट इज, हाफ नट क्या होता है? तो हाफ नट जो होता है ये रहता है कि चूड़ी कर्तन के मुख्य पेंच तक के खराद धरन को बंद करने की यंत्रावली है, यानी कि मैकेनिज्म दैट लॉक द लेथ कैरेज टू द लीड स्क्रू फॉर थ्रेड कटिंग। 55 नंबर क्वेश्चन है, द टू लाइफ इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, औजार वाय निम्न में से किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, ऑल ऑफ द एबव। तो जो औजार की आयु होती है यह डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड इन सबसे प्रभावित होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है कटिंग स्पीड फर्स्ट नंबर पे, फिर उससे कम डालती है फीड, फिर उससे कम डालती है डेप्थ ऑफ कट। 56 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अचीविंग ए स्पेसिफिक सरफेस फिनिश इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंट्रोल्ड, एकल बिंदु खरादन में एक विशिष्ट परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर किससे नियंत्रित किया जाता है, वह क्या है? ऑप्शन है डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड, टूल रैक एंगल। तो एकल बिंदु खरादन में एक विशिष्ट परिष्कृत सतह प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है नियंत्रित करने के लिए वो रहता है फीड। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा फीड। 57 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस माउंटेड ऑन ए लेथ विच कैन बी स्विवल्ड टू एनी एंगल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू फैसिलिटेट द टेपर टर्निंग एंड द थ्रेड कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। खराद पर आरोहण उपकरण जिसे शंकु को मोड़ने और चूड़ी को काटने की सुविधा हेतु क्षैतिज सतह में किसी भी कोण पर मोड़ा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हेड स्टॉक, सैडल, एप्रॉन, कंपाउंड रेस्ट। इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड रेस्ट। खराद पर आरूढ़ उपकरण जिसे शंकु को मोड़ने और चूड़ी को काटने की सुविधा क्षैतिज सतह में किसी भी कोण पर मोड़ा जा सकता है उससे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कंपाउंड रेस्ट। 58 नंबर क्वेश्चन है, लेथ बेड आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस, निम्न में से कौन से उत्पादन प्रक्रिया से खराद आधार निर्मित होते हैं? ऑप्शन है रोलिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग, कास्टिंग। तो उत्पादन प्रक्रिया से खराद आधार जो निर्मित होते हैं वो कास्टिंग द्वारा होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढलाई। 59 नंबर क्वेश्चन है, फॉर टेपर टर्निंग ऑन लेथ सेंटर द मेथड ऑफ स्वीविंग द कंपाउंड रेस्ट इज प्रिफर्ड, फॉर केंद्रीय खरादों पर कंपाउंड रेस्ट के घूमने की विधि प्रयोग को इनमें से किस कारण प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है छोटे शंकु कोण के साथ लंबे कारखंड, खड़ी शंकु कोण के साथ लंबे कारखंड, छोटे शंकु कोण के साथ लघु कारखंड, खड़ी शंकु कोण के साथ लघु कारखंड। तो केंद्रीय खरादों पर कंपाउंड रेस्ट के घूमने की विधि का प्रयोग इनमें से जो प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है कि शार्ट जब विथ स्टीप टेपर एंगल्स, यानी कि खड़ी शंकु कोण के साथ लघु कारखंड। 60 नंबर क्वेश्चन है, बेड ऑफ लेथ मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन बिकॉज इट हैज, मशीन के बेड को ढलवा लोहे से बनाया जाता है क्योंकि यह क्या रखता है? ऑप्शन है गुड शॉक अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, गुड सरफेस फिनिशिंग, वेरी लो डेंसिटी। तो मशीन के बेड को ढलवा लोहे से बनाया जाता है क्योंकि यह रखता है
अवशोषक की अच्छी गुण, यानी कि शॉक अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रहता है इसका, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका यह आसान से हो जाएगा। सिक्सटी वन नंबर क्वेश्चन है, इन ए लेथ मशीन ए थ्री जा चक इज यूज्ड, खराद मशीन में तीन जबड़ा का चक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है फॉर होल्डिंग वाइड रेंज, फॉर मनली सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्क, और अब बेल यानी कि केवल बेलनाकार और हेक्सागोनल कारखंड की लंबाई श्रृंखला को पकड़ने हेतु। बी है फॉर होल्डिंग वाइड रेंज ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर शेप, यानी कि केवल नियमित और अनियमित कारखंड की लंबी श्रृंखला को पकड़ने हेतु। सी है सो दैट द हैवियर जॉब कैन बी टर्न, यानी कि ताकि भारी कारखंड को टर्निंग की जा सके। डी है सो दैट द वर्क पीस कैन बी सेट फॉर कंटूर काउंटर टर्निंग, ताकि भारी कारखंड को कंटूर टर्निंग हेतु सेट किया जा सके। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। खराद तीन जबड़े का प्रयोग जो किया जाता है वो फार होल्डिंग वाइड रेंज ऑफ मनली सिलेंडर एंड हेक्सागोनल वर्क के लिए किया जाता है, यानी कि केवल बेलनाकार और हेक्सागोनल कारखंड की लंबी श्रृंखला को पकड़ने के लिए किया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जा इन ए सेल्फ सेंटर्ड चक ऑफ ए लेथ, एक खराद मशीन के स्वतः केंद्रित चक में जबड़ों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 8, 5, 4, 3। तो सेल्फ सेंटरिंग चक में जो होती है ये इसमें तीन जबड़े होते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 3। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किया वो लोग शेयर कर दें। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्विंग डायमीटर ओवर बेड एक कंपेयर टू दैट ओवर कैरिज इज, कैरेज की तुलना में बेड के ऊपर घुमाव का व्यास क्या होता है? ऑप्शन है अधिक, लेस, सेम, नन ऑफ दीज। तो कैरेज की तुलना में बेड के ऊपर जो घुमाव का व्यास होता है वो अधिक होता है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा अधिक। 64 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर यूज्ड फॉर होल्डिंग हॉलो जॉब ऑन ए लेथ इज, एक लेथ पर खोखला वस्त्र पकड़ने के लिए प्रयुक्त केंद्र क्या है? ऑप्शन है हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, स्क्वायर सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर। तो एक लेथ पर खोखला वस्तु पकड़ने के लिए जो प्रयुक्त केंद्रक है वह है पाइप सेंटर, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा पाइप सेंटर। लेथ पर खोखला वस्तु पकड़ने के लिए पाइप सेंटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि पतले तथा लंबे कारखंड जैसे बुश स्लीव तथा गियर खंड आदि को बाहरी सतह की मशीनन के लिए मैनड्रिल का प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, ए टूल यूज्ड इन कटिंग एन एक्सटर्नल थ्रेड इज कॉल्ड ए, बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि ऐंठित बर्मा, टैप, टाई, इंड मिल। तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डाई। बाहरी चूड़ी काटने में चूड़ी, डाइयाँ तथा चूड़ी चंजरों का प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कैपेसिटर नट कैन बी रोटेटेड बाई, कैपेसिटर नट किसके द्वारा घुमाया जा सकता है? ऑप्शन है टी स्पैनर, पिन स्पैनर, रिंग स्पैनर, डबल इंडेड स्पैनर। तो जो कैपेसिटर नट होता है ये पिन स्पैनर द्वारा यानी कि पिन पाना द्वारा घुमाया जा सकता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा पिन स्पैनर। 67 नंबर क्वेश्चन है, द मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल बेड इज, मशीन टूल बेड के निर्माण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ग्रेक कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो मशीन टूल बेड के निर्माण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो पदार्थ रहता है वो रहता है ग्रेक कास्ट आयरन। मशीन टूल बेड के निर्माण के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ रहता है ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की संपीड़न सामर्थ्य बहुत अधिक होती है और ग्रे कास्ट आयरन में बहुत उच्च डैम्पिंग क्षमता होने के कारण कंपन के आयाम को कम करने के लिए अधिक सामर्थ्य रखता है, इसलिए मशीन टूल बेड निर्माण में ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दें। 68 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन अमेरिकन सिस्टम है, 10
12, 8, 6, 15, 20 और 3 है। कह रहा व्हाट डज द वैल्यू 12 रिप्रेजेंट, मतलब अमेरिकी सिस्टम में एकल बिंदु कर्तन औजार के लिए निम्न उपकरण हस्ताक्षर निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है 10, 12, 8, 6, 15, 20 और 3। मूल्य 12 का प्रतिनिधित्व क्या करता है, इसमें ये जो 12 है ये क्या है आपको बताना है। तो आपको बता देते हैं ये जो 12 है ये है साइड रैक एंगल, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा साइड रैक एंगल। अगर इसको हम बात करें 10 वाला क्या है, ये जो पहले नंबर पर रहता है वो रहता है बैक रैक एंगल, जो 10 डिग्री ये दिया है ये बैक रैक एंगल है, और ये जो 12 वाला है ये है साइड रैक एंगल, और जो 8 है ये है इंड रिलीफ एंगल, और जो 6 दिया है ये है साइड रिलीफ एंगल, और ये दिया है 15 डिग्री ये है इंड कटिंग एज एंगल, और ये जो 20 डिग्री दिया है ये है साइड कटिंग एज एंगल, और ये जो लास्ट में रहता है ये रहता है नोज रेडियस। तो इसका सही ऑप्शन होगा 12 वाला, ये साइड रैक एंगल को निर्दिष्ट करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा साइड रैक एंगल। 69 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, निम्न में से कौन एकल बिंदु कटिंग टूल है। ऑप्शन है ग्राइंडिंग व्हील, पार्टिंग टूल, मिलिंग कटर, हेक्सा ब्लेड। तो इनमें से जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो है पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल जो होता है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। पार्टिंग टूल एक एकल बिंदु कटिंग टूल यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। पार्टिंग टूल में रैक एंगल का जो मान होता है ये शून्य होता है, और इसके अतिरिक्त जो ग्राइंडिंग व्हील, मिलिंग कटर और हेक्सा ब्लेड दिए हैं ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, द ओनली एंगल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द टूल डिपेंड्स ऑन, औजार का सामर्थ्य केवल किस कोण पर निर्भर करता है। ऑप्शन है रैक एंगल यानी कि नती एंगल कोण पर, बी है कटिंग एंगल यानी कि कर्तन कोण पर, सी है लिप एंगल यानी कि ओस्ट कोण पर, डी है क्लियरेंस एंगल यानी कि अंतराल कोण पर। तो जो औजार का सामर्थ्य जो निर्भर करता है वह निर्भर करता है केवल रैक एंगल पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औजार का सामर्थ्य केवल नति कोण यानी कि रैक एंगल पर निर्भर करता है। नति कोण यानी कि रैक एंगल के बढ़ने पर औजार की सामर्थ्य घट जाती है। 71 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द ब्लेड एंड ए लाइन पासिंग थ्रू द नोज पैरेलल टू द कटर एक्सिस इज, ब्लेड के फलक और कर्तन अक्ष के समांतर से नासिका से जाती हुई एक रेखा के मध्य कोण है। ऑप्शन है फेस रिलीफ एंगल यानी कि फलक उच्चावच कोण, बी है रेडियल रैक यानी कि ये रहे अरे ये ढाल ये परिधि रहेगा परिधि ढाल रेडियल, एक्सियल है ये अच्छी ढाल है, और डी है फेस क्लियरेंस एंगल यानी कि फलक स्पर्शी कोण। तो ब्लेड के फलक और कर्तन अक्ष के समांतर से नासिका से जाती हुई रेखा के मध्य का जो कोण होता है वो रहता है एक्सियल रैक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सियल रैक यानी कि अच्छी, ये अरी नहीं रहेगा ये एक्सियल रैक है, इसका सी ऑप्शन है। ब्लेड के फलक और कर्तन अक्ष के समांतर से नासिका से जाती हुई एक रेखा के मध्य कोण को अक्षीय ढाल या एक्सियल रेक कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द टूल फ्लैंक ऑफ द टूल एंड द लाइन टेंजेंट टू द मशीन्ड सरफेस एट द कटिंग पॉइंट इज नोन एज, कटाई औजार के फ्लैंक और टूल के कर्तन बिंदु से लगे मशीनित सतह पर स्पर्शी के बीच बना कोण क्या कहलाता है। ऑप्शन है रैक एंगल, कटिंग एंगल, लिप एंगल, क्लियरेंस एंगल। तो कटाई औजार के फ्लैंक और टूल के कर्तन बिंदु से लगे मशीनी सतह पर स्पर्शी के बीच बना कोण कहलाता है क्लियरेंस एंगल, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्लियरेंस एंगल यानी कि अवकाश कोण। इसको हम लोग अल्फा से जो रैक एंगल क्या रहता है, रैक एंगल रहता है कि संदर्भ रेखा तथा औजार फेस के बीच बना कोण को हम लोग रैक एंगल कहते हैं, और ये जो लिप एंगल है
लिप एंगल औजार फेस तथा फ्लैंक के बीच बना कोण लिप एंगल कहलाता है। और जो होता है क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल वह रहता है कि मशीनित सतह तथा फ्लैंक के बीच बना कोण क्लियरेंस एंगल कहलाता है। और है कटिंग एंगल, तो कटिंग एंगल कटाई औजार के फेस तथा टूल के कर्तन बिंदु से लगे मशीनित सतह पर स्पर्शी के बीच बना कोण कर्तन कोण कहलाता है, यानी कि कटिंग एंगल कहलाता है। किसी भी एकल बिंदु कर्तन औजार के लिए जो रहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन क्लियर्ड फ्लैंक ऑफ द टूथ बैक ऑफ रिलीव्ड सरफेस एंड कटर फेस इज कॉल्ड, यानी कि मुक्त सतह और कर्तन फलक के टूथ बैक के स्पष्ट फ्लैंक के बीच का कोण क्या कहलाता है। ऑप्शन है पेरीफेरल रिलीफ एंगल, पेरीफेरल क्लियरेंस एंगल, सी है फेस क्लियरेंस एंगल, डी है इंड रिलीफ एंगल। तो मुक्त सतह और कर्तन फलक के टूथ बैक के स्पष्ट फ्लैंक के बीच का कोण होता है वो फेस क्लियरेंस एंगल कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फलक अस्पर्शी कोण फेस क्लियरेंस एंगल। 74 नंबर क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ रैक एंगल इज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू देन, यदि रैक कोण का मान धनात्मक बड़ा मान है तो। ऑप्शन है मटेरियल इज नॉट डिफॉर्म्ड, यानी कि पदार्थ का विरूपण नहीं होता है। बी है मटेरियल इज फोर्स बैक टू इट्सेल्फ, यानी कि पदार्थ स्वतः पुनः अवस्था में आ जाता है। सी है मटेरियल इज डिफॉर्म लेस इन द चिप, यानी कि छीलन में पदार्थ कम विरूपित होता है। और डी है मटेरियल इज डिफॉर्म मोर इन द चिप, यानी कि छीलन में पदार्थ ज़्यादा विरूपित होता है। तो यदि रैक एंगल का मान धनात्मक बड़ा मान होता है तो छीलन में पदार्थ कम विरूपित होता है। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, मटेरियल इज डिफॉर्म लेस इन द चिप, यदि रैक कोण का मान धनात्मक और बड़ा है तो छीलन में पदार्थ कम विरूपित होता है। यदि रैक कोण का मान ऋणात्मक और छोटा है तो पदार्थ स्वतः पश्च अवस्था में आ जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ विच स्टील, यानी कि उच्च गति इस्पात किस इस्पात की श्रेणी में आता है। ऑप्शन है एलॉय, स्टेनलेस, लो कार्बन, हाई कार्बन। जो हाई स्पीड स्टील होता है ये एलॉय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिश्र धातु के अंतर्गत आता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एलॉय। उच्च गति इस्पात मिश्र धातु इस्पात की श्रेणी में आता है। उच्च गति इस्पात में 18% टंगस्टन होता है और 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम की मात्रा होती है। इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 0.7% रखी जाती है और ये अपनी कठोरता 600 डिग्री सेल्सियस पर भी बनाए रखता है। और उच्च गति कार्बन इस्पात में की अपेक्षा 2 से 3 गुना कटाई गति का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, रिलीफ एंगल इन ए कटिंग टूल जनरली वेरीज फ्रॉम, एक कर्तन उपकरण में उच्चावच कोण सामान्यतः किससे परिवर्तित होता है। तो ये जो परिवर्तित होता है ये 5 डिग्री से 15 डिग्री तक परिवर्तित होता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, 5 डिग्री से 15 डिग्री तक। कटिंग औजार में रिलीफ कोण देने से मशीनित सतह घिसने से बच जाता है, इसे अवकाश कोण भी कहते हैं। और यह कोण सामान्यतः 5 से 15 डिग्री तक दी जाती है और यह औजार के फ्लैंक तथा मशीनी सतह के बीच का कोण होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, निम्न में से कौन एक बिंदु कर्तन टूल है। ऑप्शन है हेक्सा ब्लेड, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, माइक्रो कंप्यूटर। तो इनमें से जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इनमें से, तो ये बहुत ही अटपटा सा क्वेश्चन है, तो इसके लिए देखिए क्या ऑप्शन सही होगा। किसमें ने जो इस प्रश्न में आयोग ने हेक्सा ब्लेड को सही उत्तर माना है, जबकि हेक्सा ब्लेड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। मिलिंग कटर तथा ग्राइंडिंग व्हील भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हैं। तो ये जो इसका क्वेश्चन है ये अपवाद टाइप का है,
आयोग ने इसे जो दिया था उसका सही उत्तर माना है हेक्साबुलेट को। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एमंग द गिवन ऑप्शन इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है? ऑप्शन है मिलिंग कटर, हेक्सा ब्लेड, टर्निंग टूल, ग्राइंडिंग व्हील। तो इनमें से जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो है टर्निंग टूल, यानी कि छीलन औजार। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग खराद, सेपर, प्लेनर इत्यादि मशीनों पर किया जाता है, और जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग मिलिंग कटर, ड्रिल, ब्रोच और अब्रेसिव व्हील इत्यादि में किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है। ए टूल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, एक औजार नामकरण के होते हैं। ऑप्शन है टू एलिमेंट, फाइव एलिमेंट, फोर एलिमेंट, सेवन एलिमेंट। टूल सिग्नेचर में कितने होते हैं आपको बताना है, तो इसमें जो होते हैं सात होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सात। और कौन कौन से होते हैं तो देखिए, पहले नंबर पे आता है बैक रैक एंगल, फिर बैक रैक एंगल के बाद आएगा साइड रैक एंगल, फिर इसके बाद आता है इंड रिलीफ एंगल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंड क्लियरेंस एंगल, फिर इसके बाद आता है साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल, फिर इसके बाद आता है इंड कटिंग एज एंगल, फिर इसके बाद आता है साइड कटिंग एज एंगल, फिर इसके बाद आता है लास्ट में नोज रेडियस सातवें नंबर पे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवन एलिमेंट होते हैं नॉमिक क्लेचर में। 80 नंबर क्वेश्चन है। द साइड रिलीफ एंगल इन ए कटिंग टूल सिग्नेचर ऑफ 10, 20, 7, 6, 8, 15, 2 इज। कर्तन औजार सिग्नेचर के अवयवों 10, 20, 7, 6, 8, 15 और 2 में पार्श्व राहत कोण क्या है, यानी कि साइड रिलीफ एंगल क्या है? तो आपको बता दें जो साइड रिलीफ एंगल है ये है सिक्स, ये जो है ये है पहले नंबर पे जो 10 दिया है ये है बैक रैक एंगल, और जो 20 दिया है ये है साइड रैक एंगल, और जो 7 नंबर दिया है ये है इंड रिलीफ एंगल, और जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है छठा क्या है, तो छठा है हम लोगों का साइड रिलीफ एंगल, और जो 8 है ये है इंड कटिंग एज एंगल, और जो 15 दिया है ये है साइड कटिंग एज एंगल, और ये जो लास्ट में 2 दिया है ये है नोज रेडियस। तो क्वेश्चन में पूछा है कि साइड रिलीफ एंगल क्या है, तो 6 है साइड रिलीफ एंगल। 81 नंबर क्वेश्चन है। ए डायमंड पॉइंटेड चीजल इज यूज फॉर कटिंग, यानी कि एक डायमंड पॉइंटेड छेनी का इस्तेमाल किसको काटने के लिए किया जाता है? तो एक डायमंड पॉइंटेड छेनी का इस्तेमाल हम लोग वी आकार के खांचे काटने के लिए करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी आकार के खांचे काटने के लिए। एक डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल वी आकार के खांचे काटने हेतु किया जाता है। वी आकार के खांचे हैं क्या? कि इस प्रकार के खांचे सामान्यतः डायमंड पॉइंट छेनी के उपयोग से बनाए जाते हैं। अब 82 नंबर क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टूल फ्रॉम रबिंग द वर्क डट 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 ऑन टूल आर प्रोवाइडेड, घर्षण कार्य के उपकरण को रोकने के लिए उपकरणों पर डट 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 को उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है रैक एंगल, रिलीफ एंगल, फ्लूट एंगल, स्टार्ट एंगल। तो निघर्षण कार्य से उपकरण को रोकने के लिए उपकरणों पर हम लोग रिलीफ एंगल को उपलब्ध कराते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ एंगल। कार्यखंड और उपकरण के बीच निघर्षण क्रिया को रोकने के लिए उपकरणों पर राहत कोण यानी कि रिलीफ एंगल प्रदान करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है। द सीक्वेंस ऑफ नंबर लिस्टिंग द वेरियस एंगल इन डिग्रीज एंड साइज ऑफ द नोज रेडियस इज कॉल्ड एज। डिग्री में विभिन्न कोणों और नसिका त्रिज्या के आयाम की संख्याओं के क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंगल स्टैंडर्ड यानी कि कोण मानक, सीक्वेंस ऑफ रेडियाई यानी कि त्रिज्या का अनुक्रम, सी है बैक रैक एंगल यानी कि पश्च रैक कोण, डी है टूल सिग्नेचर यानी कि औजार अभिलक्षण। तो डिग्री में विभिन्न कोणों और नसिका त्रिज्या के आयाम की संख्याओं के क्रम को हम लोग बोलते हैं टूल सिग्नेचर।
तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा टूल सिग्नेचर। और टूल सिग्नेचर में कितने एलिमेंट होते हैं? सात, सात एलिमेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं? बैक रैक एंगल, साइड रैक एंगल, इंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, फिर लास्ट में रहता है नोज रेडियस। ये सात होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, फार कटिंग ऑफ ब्रास विथ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑन ए लेथ टूल शुड हैव, यानी कि एक लेथ मशीन पर एकल बिंदु कटाई औजार से पीतल की कटाई के लिए औजार को रखना चाहिए। ऑप्शन है निगेटिव रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, जीरो साइड रिलीफ एंगल। तो एक लेथ मशीन पर एकल यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारा पीतल की कटाई के लिए जो औजार रखा जाता है, औजार को रखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं जीरो रैक एंगल। लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से पीतल की कटाई करने के लिए टूल का जो शून्य रैक एंगल दी जाती है, यानी कि जीरो रैक एंगल दी जाती है, एट्टी फाइव नंबर क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज, एकल बिंदु कटाई औजार के फेस और फ्लैंक के बीच का कोण कितना होता है, कोण क्या जाना जाता है, यानी कि एकल बिंदु कटाई औजार के फेस और फ्लैंक के बीच का कोण को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल, पॉइंट एंगल। तो फेस और फ्लैंक के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं लिप एंगल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लिप एंगल। एकल बिंदु कटाई औजार के फेस और फ्लैंक के बीच के कोण को हम लोग लिप एंगल बोलते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए कोण को सामान्यतः 60 डिग्री से 80 डिग्री के बीच रखा जाता है। लिप कोण ज़्यादा होने पर टूल की सामर्थ्य ज़्यादा होती है। एट्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग साइड रैक एंगल ऑन द कटिंग टूल इज टू, कटाई औजार पर साइड रैक कोण प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अवॉइड वर्क फ्रॉम रबिंग अगेंस्ट टूल, यानी कि कार्य और औजार के सापेक्ष रगड़ से बचाना, बी है कंट्रोल चिप फ्लो यानी कि चिप प्रवाह को नियंत्रित करना, सी है स्ट्रेंथ टूल एज यानी कि औजार के सिर या एज को मजबूत बनाना, डी है ब्रेक चिप। तो कटाई औजार पर साइड रैक एंगल प्रदान करने का उद्देश्य होता है कि चिप प्रवाह को नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल चिप फ्लो। साइड रैक कोण देने पर मुख्य उद्देश्य चिप बहाव को नियंत्रित करना है और साइड रैक एंगल 5 डिग्री से 15 डिग्री के बीच होता है। रिलीफ या अवकाश कोण फिनिश सतह पर टूल रगड़ से बचाने के लिए दिया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इंक्रीजेज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से एकल बिंदु कटिंग टूल की जीवन किस प्रकार बढ़ाई जाती है? ऑप्शन है डिक्रीज इन नोज रेडियस, डिक्रीज इन रैक एंगल, इंक्रीज इन साइड कटिंग एज एंगल, डी है इंक्रीज इन कटिंग स्पीड। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की अगर आपको लाइफ बढ़ानी है तो इसके लिए हम लोग करते हैं कि रैक एंगल में कमी कर देते हैं, यानी कि डिक्रीजेज इन रैक एंगल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 पॉइंट कटिंग टूल की जीवन जो होती है यानी कि लाइफ होती है, वो रैक एंगल में कमी करने से बढ़ती है, क्योंकि रैक एंगल कम करने पर टूल और भी मोटा हो जाता है जिसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। टूल जीवन के घटक पर आधारित होता है, जैसे कि कटिंग स्पीड, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वर्कपीस, फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट और एंगल बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, इन सब पर भी निर्भर करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, ए हेक्सा ब्लेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स, यानी कि एक हेक्सा ब्लेड किससे निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन है लेंथ, मटेरियल, विड्थ, नंबर ऑफ टीथ। तो हेक्सा ब्लेड जो स्पेसिफाई किया जाता है वो किया जाता है उसकी लंबाई से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई। हेक्सा ब्लेड को लंबाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
हेक्सा ब्लेड अरेंजमेंट में हेक्सा ब्लेड को पकड़ने के लिए उनके दोनों किनारों पर छिद्र होते हैं। हेक्सा ब्लेड में 12 इंच पर 300 mm की बीमा को दोनों छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी से प्रदर्शित करते हैं। एट्टी नाइन नंबर क्वेश्चन है, विच इज द एंगल मेड बाय द फेस ऑफ द टूल एंड द प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ कटिंग टूल कॉल्ड एज। औजार के पृष्ठ और कर्तन औजार के आधार के समांतर समतल के बीच का कोण क्या होता है? ऑप्शन है रैक एंगल, कटिंग एंगल, क्लियरेंस एंगल, लिप एंगल। तो औजार के पृष्ठ और कर्तन औजार के आधार के समांतर समतल के बीच का जो कोण होता है वो रहता है रैक एंगल, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रैक एंगल। नब्बे नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। निम्न में से कौन सा एकल बिंदु काटने का उपकरण टूल है? ऑप्शन है हेक्सा ब्लेड, मिलिंग कटर, ग्राइंडिंग व्हील, पार्टिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग जो टूल है ये है पार्टिंग टूल। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। हेक्सा ब्लेड जो होता है ये होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, और मिलिंग कटर भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, और ग्राइंडिंग व्हील भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, इन मेटल कटिंग ऑपरेशन द अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ हीट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग चिप टूल एंड वर्क इन दैट ऑर्डर इज। धातु कटाई संक्रिया में चिप औजार और कार्य को वितरित ऊष्मा का लगभग या सन्निकट अनुपात के क्रम में क्या होता है? तो ये जो रेशियो होता है ये रेशियो रहता है 80:10:10, जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऊष्मा वितरण का अनुपात जो लगभग होता है 80:10:10 होता है, जिसमें कुल ऊष्मा का 80% चिप ले जाता है, 10% टूल और 10% मशीनी सतह ले जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन है, मटेरियल रिमूवल रेट इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में पदार्थ हटाने की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है हार्डनेस पर, थर्मल कंडक्टिविटी पर, डक्टिलिटी पर और एटॉमिक वेट पर। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में पदार्थ हटाने की जो दर होती है वो एटॉमिक वेट पर निर्भर करती है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक वेट। 93 नंबर क्वेश्चन है, क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन। क्रेटर वियर ज़्यादातर कहाँ होता है? ऑप्शन है कार्बन स्टील टूल, टंगस्टन कार्बाइड टूल, हाई स्पीड स्टील टूल, सिरेमिक टूल। तो क्रेटर वियर जहाँ प्रीडोमिनेंट होता है, जिसमें होता है वो रहता है कि टंगस्टन कार्बाइड टूल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन कार्बाइड टूल। 94 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ टी एंड कटिंग स्पीड वी इज एक्सप्रेस्ड एज वेयर एन एंड सी आर कांस्टेंट। यानी कि उपकरण कार्यविधि टी और कर्तन गति वी के बीच संबंध को किस प्रकार दर्शाया जाता है, जहां एन और सी स्थिरांक हैं यानी कि कांस्टेंट हैं। तो ये इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि वी टी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट होता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वी टी का पावर एन इक्वल टू सी। इसी को हम लोग बोलते हैं टेलर टू लाइफ इक्वेशन। 95 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएटर वियर टेक्स प्लेस इन ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एट द। एकल पॉइंट वाले कर्तन उपकरण में निघर्षण किसमें होता है? ऑप्शन है टिप, फेस, फ्लैंक, साइड रैक। तो एकल पॉइंट वाले कर्तन उपकरण में जो निघर्षण होता है वो होता है फेस में, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेस। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से क्रेटर वियर फ्लक पर होता है, निघर्षण का मान गड्ढे की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ
क्रेटर से किया जाता है। क्रेटर वियर का मुख्य कारण औजार के कठोर कणों का अत्यधिक ताप के कारण औजार छीलन इंटरफेस पर मिश्रित होना है। 96 नंबर क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट वेरिएशन ऑफ द टू लाइफ एक्सपोनेंट एन ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की टूल जीवन घातांक एन लगभग परिवर्तित होता है। तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल के लिए जो एन का मान होता है ये परिवर्तित होता है 0.2 से 0.48 तक। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो बी ऑप्शन दिया है ये रहता है हाई स्पीड स्टील के लिए। 97 नंबर क्वेश्चन है, द टूल लाइफ ऑफ ए टूल इज सेड टू बी ओवर इफ। एक उपकरण के उपकरण जीवन पूरा होने क्या कहा जाता है अगर। ऑप्शन है, द टूल हैज फेल्ड एंड ए पुअर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेंड। यानी कि उपकरण विफल हो गया है और एक खराब सतह फिनिश प्राप्त की गई है। पी है सडन इंक्रीज इन पावर एंड कटिंग फोर्सेज टेक्स। यानी कि शक्ति में अचानक वृद्धि और काटने वाले बल जगह ले लेते हैं। सी है ओवर हीटिंग एंड फर्मिंग ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स इन एडिशन टू डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी। यानी कि घर्षण के कारण आयामी अस्थिरता के अतिरिक्त अधिक गर्मी और धुंध होती है। डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो एक उपकरण के उपकरण जीवन का पूरा होना कहा जाता है अगर ये भी हो ये भी हो ये भी हो। तो इसका डी ऑप्शन सही जगह उपरोक्त सभी। 98 नंबर क्वेश्चन है कि आपको इसमें मिलान करना है किसका कितना होता है। तो आपको बता देते हैं कि एक तरफ है हाई स्पीड स्टील, कास्ट एलॉय, सिरेमिक, सिंटर्ड कार्बाइड, और आपको ये ऑप्शन है चार, इनको मिलाना है। तो हाई स्पीड स्टील के लिए जो एन का मान होता है, एन का मान होता है इसके लिए 0.12, और कास्ट एलॉय के लिए जो होता है ये रहता है 0.18, और सिरेमिक के लिए रहता है 0.5, और सिंटर्ड कार्बाइड के लिए रहता है 0.25। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 214। ये इससे जाएगा, ये इससे, तो हो जाएगा 2143। 99 नंबर क्वेश्चन है, इन ए मशीनिंग टेस्ट ए कटिंग स्पीड ऑफ 100 mm पर मिनट इंडिकेट द टूल लाइफ एज 16 मिनट एंड ए कटिंग स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट इंडिकेट द टूल लाइफ एज 4 मिनट। द वैल्यू ऑफ एन एंड सी आर। यानी कि एक मशीनिंग परीक्षण 100 मीटर पर मिनट की एक कटाई गति औजार जीवन काल को 16 मिनट इंगित करता है और 200 मीटर पर मिनट की कटाई गति औजार जीवन काल को 4 मिनट के रूप में इंगित करता है। तो एन और सी का मान क्या होगा। तो एन और सी का मान होगा इसके लिए 0.5 और 400। दोस्तों यहाँ पे हम आपको लगा के बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है। इसके लिए जो फार्मूला यूज किया जाएगा ये V1 T1 का पावर n इक्वल टू V2 T2 का पावर n से किया जाएगा। इस फार्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं। सौ नंबर क्वेश्चन है, विथ इंक्रीजिंग कटिंग वेलोसिटी द टोटल टाइम फॉर मशीनिंग ए कंपोनेंट। कटाई वेग बढ़ाने के साथ एक अवयव की मशीनिंग के लिए कुल समय क्या होता है। ऑप्शन है डिक्रीज होता है यानी घटता है, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, सी रिमेंस अनइफेक्टेड यानी कि प्रभावित रहता है, टी है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो कटाई वेग बढ़ाने के साथ एक अवयव की मशीनिंग के लिए जो कुल समय होता है ये पहले घटता है और फिर बढ़ता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसके लिए जो कर्व बनता है, जैसे कि अगर वी वाई एच पे वी है
एक्स अक्ष पे हम लोग अगर टी रख दें तो इसका जो कर्व बनता है ये बनता है, और इसके लिए फॉर्म वी टी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट प्राप्त होता है। ये इसका डायग्राम बनता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। एक सौ एक नंबर क्वेश्चन है, द टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन वी टी की पावर एन इक्वल टू सी देन कांस्टेंट एन एंड सी डिपेंड्स अपॉन। टेलर के औजार जीवन काल समीकरण में वी टी का पावर एन इक्वल टू सी होता है, स्थिरांक एन और सी किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है वर्क पीस मटेरियल पर, टूल मटेरियल पर, कूलेंट पर। तो जो टेलर का इक्वेशन होता है इसमें स्थिरांक एन और जो सी होता है ये निर्भर करता है वर्क पीस मटेरियल पर भी, टूल मटेरियल पर भी, और कूलेंट पर भी निर्भर करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, इन तीनों पर निर्भर करता है एन का मान, एन और सी का मान निर्भर करता है तीनों पे। 102 नंबर क्वेश्चन है, इन ए टू लाइफ टेस्ट डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस टू द लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल, द टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स इज। एक औजार जीवन काल परीक्षण में यदि कटाई गति को दोगुना किया जाता है और औजार जीवन काल वास्तविक का 1/8 गुना घट जाता है, टेलर का औजार जीवन काल क्या होगा, सूचकांक क्या है आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1/3। इसको भी अगर आप लगाएंगे तो वी जो फार्मूला बताते हैं कि वी वन टी वन का पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू का पावर एन, इससे आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3 एन का मान। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1/3। अब 103 नंबर क्वेश्चन है, ए कार्बाइड टूल हैविंग एन इक्वल टू 0.25 विथ ए माइल्ड स्टील वर्क पीस वॉज फाउंड टू गिव लाइफ ऑफ 1 hour 21 minutes वाइल कटिंग एट 60 meters per minute, द वैल्यू ऑफ सी इन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वी टी का पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट वुड बी इक्वल टू। एक कार्बाइड टूल जो रखता है एन इक्वल टू 0.25 एक मृदु इस्पात कारखंड के साथ जब 60 meters per minute की गति के साथ कटाई करता है तो इसका जीवन काल 1 hour 21 minutes पाया जाता है। तो टेलर के औजार जीवन काल समीकरण वी टी पावर एन इक्वल टू सी में सी का मान बराबर होना चाहिए। इसके लिए जो सही आंसर आएगा आपका अगर आप लगाएंगे तो 180 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 180। दोस्तों इसके लिए माफ़ करना कि हम लोग साल्व नहीं कराए हैं, हमारे पास सुविधा ना होने के कारण इसे हम लगा नहीं पा रहे हैं। एक सौ चार नंबर क्वेश्चन है, इफ़ एन इक्वल टू 0.5 एंड सी इक्वल टू 300 फॉर द कटिंग स्पीड एंड द टूल लाइफ रिलेशन, व्हेन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 25% द टूल लाइफ विल बी इंक्रीज्ड बाय। यदि कटाई गति और औजार जीवन काल के संबंध के लिए एन इक्वल टू 0.5 और सी इक्वल टू 300 है तब कटाई गति को 25% घटा दी जाए तो औजार का जीवन काल में वृद्धि कितना होगा। ऑप्शन है 100%, 95%, 78%, 50%। तो इसके लिए जो होगा इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 78%। एक सौ पाँच नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग द टेलर इक्वेशन वी टी का पावर एन इक्वल टू सी कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन टू लाइफ व्हेन द कटिंग स्पीड इज रिड्यूस बाय 50% एन इक्वल टू 0.5 एंड सी इक्वल टू 400। टेलर समीकरण वी टी का पावर एन इक्वल टू सी का प्रयोग करके टूल जीवन में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए जब कटाई गति 50% से कम हो, एन का मान दिया 0.5 और सी का मान दिया है 400। तो इसके लिए भी यही फार्मूला आप लोग यूज करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 300%। 106 नंबर क्वेश्चन है, क्रिएटर वियर ऑलवेज स्टार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज एट द पॉइंट। क्रिएटर वगैरह हमेशा टूल टिप से कुछ दूरी पर शुरू होता है क्योंकि इस बिंदु पर क्या होता है
ऑप्शन है कटिंग फ्लूड डज नॉट पेनिट्रेट, यानी कि कटाई तरल अंदर नहीं घुसता है। बी है चिप टूल इंटरफेस टेम्परेचर इज मैक्सिमम, यानी कि चिप टूल के इंटरफेस पर अधिकतम तापमान होता है। सी है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन रैक फेस इज मैक्सिमम, यानी कि अभिलंब प्रतिबल रैक फेस पर अधिकतम होता है। डी है टूल स्ट्रेंथ इज मिनिमम, यानी कि टूल सामर्थ्य न्यूनतम होता है। तो क्रिएटर बियर हमेशा टूल टिप से कुछ दूरी पर होते हैं क्योंकि इस बिंदु पर चिप टूल के इंटरफेस पर अधिकतम तापमान होता है, यानी कि चिप टूल इंटरफेस टेम्परेचर इज मैक्सिमम फ्रॉम सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज एट द पॉइंट। एक सौ सात नंबर क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है एक तरफ और दूसरे तरफ है कंडीशन यानी कि शर्तें। ऑप्शन है फिनिश टर्निंग और है फार्मिंग थ्रेड कटिंग और है डाउन मिलिंग, आपको मिलान करना है। तो हम आपको बता दें ये फिनिश टर्निंग है, पहला है फिनिश टर्निंग। ये फिनिश टर्निंग किया जाता है नोज रेडियस के लिए, नोज रेडियस के लिए किया जाता है, यानी कि जो पहला रहेगा ये तीसरे से चला आएगा, जो पहला वाला है ये तीसरे से चला जाएगा, और ये जो बी है फार्मिंग वाला ये फार्मिंग जाएगा लो स्पीड से, ये बी वाला जाएगा लो स्पीड से, और ये जो सी वाला है थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग जाएगा जीरो रैक से, ये वाला जीरो रैक से जाएगा, और ये जो डाउन मिलिंग है ये जाएगा बैकलेस एलिमिनेटर एलिमिनेटर से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3421। एक सौ आठ नंबर क्वेश्चन है इन हाई स्पीड स्टील द टंगस्टन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई, हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन है क्रोमियम निकिल मोलिब्डेनम कोबाल्ट। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन को प्रतिस्थापित किया जा सकता है मोलिब्डेनम से, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मोलिब्डेनम। हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन को मॉलिब्डेनम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मॉलिब्डेनम जो होता है उच्च गति इस्पात में सामान्यतः अधिकतम प्रयोग किया जाता है, जिसमें 8% मॉलिब्डेनम होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1.5% टंगस्टन और 1% वैनेडियम होता है। 109 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द लो कटिंग स्पीड हैव ऑन द कार्बाइड टूल या वर्कपीस। कार्बाइड टूल या वर्कपीस पर निम्न कटिंग स्पीड पर क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन है रिड्यूस टूल लाइफ, इंक्रीज टूल लाइफ, हैव नो इफेक्ट ऑन टूल लाइफ, स्पॉइल्स द वर्कपीस। तो जो कार्बाइड टूल या वर्कपीस पर निम्न कटिंग स्पीड का प्रभाव पड़ता है वो रहता है कि औजार के जीवन काल को बढ़ाता है, इंक्रीज टूल लाइफ। एक सौ दस नंबर क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस फ्लैंक वियर अकर, निम्न में से कौन सी सतह पर पार्स वियर यानी कि फ्लैंक वियर होता है। ऑप्शन है नोज ऑफ द टूल यानी कि उपकरण की नोक पर, रैक फेस ऑफ द टूल यानी कि उपकरण के रैक मुख पर, रिलीफ ऑफ द टूल यानी कि उपकरण के रिलीफ मुख पर, डी है कटिंग एज ऑफ द टूल यानी कि उपकरण की कर्तनाग्र पर। तो जो होता है फ्लैंक वियर ये होता है रिलीफ फेस ऑफ द टूल पर, यानी कि उपकरण के रिलीफ मुख पर होता है फ्लैंक वियर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सौ ग्यारह नंबर क्वेश्चन है टूल लाइफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग, उपकरण के कार्यकाल में क्या बढ़ाकर वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन है कटिंग स्पीड, नोज रेडियस, फीड, डेप्थ ऑफ कट। तो अगर आपको टूल लाइफ अगर इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम लोग नोज रेडियस को बढ़ा के इसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नोज रेडियस। औजार के कार्यकाल में नासिका त्रिज्या यानी कि नोज रेडियस बढ़ाकर वृद्धि की जा सकती है। कर्तन चाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है जो टूल लाइफ को प्रभावित करता है। कर्तन चाल तथा औजार आयु में जो संबंध होता है ये वी टी को पावर यानी इक्वल टू सी ए आपको बताएं ये होता ही है।
112 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन इज एसोसिएटेड विथ कार्बाइड टूल व्हेन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वीटी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट इज अप्लाइड। जब टेलर के औजार आयु समीकरण वीटी का पावर एन नियतांक को लागू किया जाता है तो निम्नलिखित मानों में से कौन सा मान सूचकांक एन कार्बाइड औजारों से संबंध रखती है? तो जो कार्बाइड औजारों के लिए एन का मान होता है इसके लिए होता है 0.2 to 0.40। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मोर टू रिड्यूस वियर टू ए टूल ऑफ ए टूल। किसी औजार का घिसाव कम करने के लिए क्या अधिक होना चाहिए? ऑप्शन है वेट, डेंसिटी, हार्डनेस, बी एंड सी दोनों। तो किसी औजार का घिसाव कम करने के लिए उसका डेंसिटी और हार्डनेस दोनों अधिक होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि डेंसिटी और हार्डनेस दोनों अधिक होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। 114 नंबर क्वेश्चन है कि टेलर के औजार जीवन काल समीकरण वी टी का पावर एन इक्वल टू सी में एन का मान 0.5 है, औजार का जीवन काल 180 मिनट का 18 मीटर पर मिनट की कर्तन गति पर है। कर्तन गति ज्ञात कीजिए यदि औजार का जीवन काल 45 मिनट कम कर दिया जाए, जहां वी इक्वल टू कर्तन गति है, टी औजार का जीवन काल है, टेलर का जीवन काल एक्सपोनेंट तथा सी स्थिरांक है। जिसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 मीटर पर मिनट। आप फार्मूला लगाएंगे वही वी वन टी वन का पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू का पावर एन वाला। 115 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग टूल यूज्ड इन स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रक्रम में इस्तेमाल होने वाले कटिंग औजार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्क, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोड, डाई इलेक्ट्रिक। तो स्पार्क इरोजन मशीनिंग प्रक्रम में इस्तेमाल होने वाले कटिंग टूल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड। 116 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रिएट वियर। कर्तन औजार का कौन सा भाग क्रिएटर निघर्षण का अधोमुखी है? ऑप्शन है सैंक, बेस, फ्लैंक, फेस। तो कर्तन औजार का जो अग्र भाग होता है यानी कि फेस भाग क्रिएटर निघर्षण का अधोमुखी होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्तन औजार के फेस पर क्रिएटर निघर्षण उत्पन्न होता है। टूल सतह पर क्रिएटर वियर मुख्यतः विसरण के कारण होती है क्योंकि उस जोन का ताप घर्षण के कारण अधिक हो जाता है, जबकि फ्लैंक वियर मुख्यतः अब्रेसिव एंड अडेजन के कारण होता है, यानी कि अपघर्षण और आसंजन के कारण फ्लैंक वियर होता है। 117 नंबर क्वेश्चन है, क्रेटर वियर अकर्स ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। क्रेटर वियर निम्न में से कौन सी एक संक्रिया का कारण होता है? ऑप्शन है अडेजन यानी कि ससंजन, डिफ्यूजन मतलब विसरण, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो जो क्रेटर वियर होता है वो होता है डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन के कारण हो यानी विसरण के कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर बी। टूल एंड चिप इंटरफेस पर क्रेटर या गड्ढा होने से क्रेटर वियर होता है, लुब्रिकेंट की कमी से भी क्रेटर वियर होता है, और क्रेटर वियर सामान्यतः डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल में होता है। 118 नंबर क्वेश्चन है, इन मेटल कटिंग विथ ए कार्बाइड टूल एट द मैक्सिमम रिकमेंडेड स्पीड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ हीट जनरेटेड गोज टू बी। कार्बाइड टूल से धातु कटिंग में अधिकतम आवश्यक गति पर उसमें उत्पादन का अधिकतम प्रतिशत मात्रा ले जाया जाता है। ऑप्शन है टूल चिप वर्क टूल पोस्ट। तो कार्बाइड टूल के धातु कटिंग में अधिकतम आवश्यक गति पर उसमें उत्पादन का अधिकतम मात्रा ले जाया जाता है चिप द्वारा, और चिप ले जाता है कितना, ये 80% ले जाता है, और जो 10% ये रहता है टूल और 10% रहता है मशीन्ड सरफेस।
119 नंबर क्वेश्चन है, टेलर टू लाइफ इक्वेशन इज एज फॉलोइंग। टेलर टू लाइफ का समीकरण क्या है? यह है वी टी का पावर एन इक्वल टू सी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सौ बीस नंबर क्वेश्चन है, इन टर्निंग ऑपरेशन द फीड कुड बी डबल्ड इन इंक्रीज द मेटल रिमूवल रेट टू कीप द सेम लेवल ऑफ सरफेस फिनिश द नोज रेडियस ऑफ द टूल शुड बी। किसी खराद संक्रिया में धातु अपनयन दर यानी कि रिमूवल रेट बढ़ाने के लिए भरण को दोगुना किया जा सकता है। पृष्ठ परिष्कार का सही स्तर बनाए रखने के लिए औजार की नासिका त्रिज्या कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आधी, केप्ट अनचेंज अपरिवर्तित की रखी जाती है, दोगुनी की जाए, चौगुनी की जाए, चौगुनी की जाए चौथा ऑप्शन है, यानी कि मेट फोर टाइम। तो किसी खराद संक्रिया में धातु अपने अंदर बढ़ाने के लिए भरण को अगर दोगुना किया जाता है तो सतह परिष्करण पर सही स्तर बनाए रखने के लिए औजार की जो नासिका त्रिज्या होती है ये चार गुनी करनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेट फोर टाइम यानी कि चार गुनी की जाए। कैसे चार गुनी हो गया? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खराद प्रक्रिया में सतह परिष्करण को सतह की शिखर और घाटी के ऊंचाई h के पदों में व्यक्त किया जाता है, जिसका फार्मूला है यहाँ पे h इक्वल टू f स्क्वायर अपन 8r, जहाँ पर f है फीड और r है रेडियस यानी कि नोज रेडियस है। यदि सतह परिष्करण को समान रखते हुए भरण को दोगुना किया जाता है इसका फार्मूला ये होगा कि f1 स्क्वायर बटे 8r1 इक्वल टू f2 स्क्वायर बटे 8r2 इक्वल टू 2f1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बटे 8r2 हो जाएगा। तो r2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा r2 इक्वल टू 4r1। अतः नासिका त्रिज्या को चार गुना करना पड़ेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन यानी कि मशीनन संक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑप्शन है द चिप एक्सप्रेशन स्ट्रेस यानी कि छीलने प्रतिबलों का अनुभव करती हैं, द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेन यानी कि छीलने विकृतियों का अनुभव करती हैं, और सी है द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द कंडीशन एट द नॉर्मल प्लेन यानी कि प्रतिबलों और विकृतियों का मान हमेशा अभिलंब तल की स्थितियों के लिए गणना की जाती है। डी है द चिप एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यानी कि छीलने प्रतिबलों और विकृतियों का अनुभव करती हैं। तो मशीनिंग संक्रिया के दौरान जो छीलने प्रतिबलों और विकृतियों का अनुभव करती हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशन द चिप एक्सपीरियंसेस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड। एक कारखंड के अंतिम सिरे पर बेवलिंग का ऑपरेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसेंट्रिक टर्निंग, थ्रेड कटिंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग। तो एक कार्यखंड के अंतिम सिरे तक बेवलिंग का ऑपरेशन कहलाता है चैम्फरिंग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चैम्फरिंग। कार्यखंड के अंतिम सिरे तक बेवलिंग का ऑपरेशन चैम्फरिंग कहलाता है। चैम्फरिंग चूड़ी कर्तन के बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है। यह लेथ मशीन, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन की संक्रिया है जिसमें कटिंग टूल द्वारा जैब के फेस के किनारे को बड़े व्यास में बनाया जाता है। इसमें किनारों को तिरछा किया जाता है और यह क्रिया टूल द्वारा या कंपाउंड पर बंधे राइट हैंड साइड टूल को 30 से 45 डिग्री के कोण पर बांध कर की जाती है, चैम्फरिंग प्रक्रिया। अब 123 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विथ ए सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कम्बिनेशन हैविंग टेलर एक्सपोनेंट 0.25 इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ द टूल लाइफ विल बी। ठोस कार्बाइड और स्टील संयोजन के साथ एकल बिंदु परिवर्तन प्रचालन जिसमें टेलर घातांक 0.25 है और गति कम करने की सीमा आधी है तो औजार की जीवन अवधि क्या होगी? ऑप्शन है आधी, दो गुनी, आठ गुनी, 16 गुनी। तो ये जो होगी ये होगी 16 गुनी,
कैसे होगी, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो टेलर के औजार का जो होता है टू लाइफ इक्वेशन, वो होता है कि वी टी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें इस फार्मूले से हो जाएगा वी वन टी वन का पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू का पावर एन। तो यहाँ पे जो एन का मान दिया है, ये दिया है 0.25, तो यहाँ पे 0.25 रख दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टी टू बटा टी वन का पावर 0.25 इक्वल टू टू, तो इससे निकाल लेंगे हम लोग टी टू इक्वल टू 16 टी वन आ जाएगा। तो इसका जो औजार जीवन अवधि होगा यह 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना यहाँ पे हो जाएगा। एक सौ चौबीस नंबर क्वेश्चन है, इन एलेथ ऑपरेशन सेंटर ड्रिलिंग शुड बी डन एट, खराद मशीन में केंद्र ड्रिलिंग पर कौन सा किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, खराद ऑपरेशन में सेंट्रल ड्रिलिंग किस पर किया जाना चाहिए। ऑप्शन है, हायर आरपीएम विथ ए हायर फीड, यानी कि एक उच्च फीड के साथ उच्च चक्कर पर मिनट। बी है हायर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड, यानी कि एक धीमी फीड के साथ उच्च चक्र पर मिनट। सी है स्लोवर आरपीएम विथ ए हायर फीड, यानी कि एक उच्च फीड के साथ धीमी चक्कर पर मिनट। और डी है स्लोवर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड, यानी कि एक धीमी फीड के साथ एक धीमी चक्कर पर मिनट। तो खराद ऑपरेशन में सेंट्रल ड्रिलिंग जो की जाती है, यह की जाती है एक धीमी फीड के साथ उच्च चक्कर पर मिनट में, यानी कि हायर आरपीएम विथ ए स्लोवर फीड पर की जाती है। तो खराद संक्रिया में केंद्र ड्रिलिंग उच्च चक्कर पर मिनट तथा धीमी भरण के साथ की जाती है। इसमें कार्यखंड में प्रारंभ में छेद किया जाता है, इसमें ड्रिल को या तो चक्कर या फिर स्पिंडल के टेपरित छेद में लगाकर अनियमित आकृति के कार्यखंड पर की जाती है। 125 नंबर क्वेश्चन है, फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड द मेथड यूज्ड इज, आंतरिक और बाह्य दोनों स्क्रू थ्रेडों के उत्पादन के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है, थ्रेड केसिंग विथ मल्टीपल रिप केसेज चेजिंग, यानी कि बहु रिब चेसर के साथ थ्रेडिंग चेजिंग, और बी है बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग, सी है टैप एवं थ्रेड टैपिंग, डी है सेल्फ ओपनिंग डाई हेड से डाई थ्रेडिंग। तो आंतरिक और बाह्य दोनों स्क्रू थ्रेड के उत्पादन के लिए जो विधि प्रयोग की जाती है वह रहती है बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग, बहु कटर थ्रेड के साथ बहु थ्रेड कटर के साथ थ्रेड मिलिंग की जाती है, यानी कि थ्रेड्स मिलिंग विथ मल्टीपल थ्रेड कटर। 126 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बर, बर क्या होता है। ऑप्शन है, बिल्डअप एज ऑन ए कटिंग टूल, यानी कि एक काटने के उपकरण पर बढ़ी हुई धार। बी है एक कटिंग टूल यानी कि काटने का उपकरण। बर्न टेस्ट सैंड यानी कि जली हुई रेत। डी है शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग, यानी कि स्टैंपिंग एंड मशीनिंग, यानी कि काटने मुद्रांकन और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारा। तो बर होता है कि काटने मुद्रांकन और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारे, यानी कि शार्प एज रिमेनिंग ऑन मेटल आफ्टर कटिंग स्टैंपिंग एंड मशीनिंग, कटिंग स्टैंपिंग और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाला तेज किनारा बर कहलाता है। फैटलिंग क्रिया के द्वारा ढले कार्यखंडों तथा प्रेसों से प्राप्त वस्तु पर बर्रें आदि हटाई जाती हैं। हल्के तथा छोटे कार्यखंडों पर यह क्रिया सरल ग्राइंडर या फर्श स्टेड ग्राइंडर या पेडेस्टल ग्राइंडर द्वारा की जाती है, जबकि भारी तथा बड़े आकार के कारखंड की दिशा में पोर्टेबल ग्राइंडर द्वारा फैटलिंग क्रिया की जाती है। 127 नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट ऑन, स्पिनिंग संक्रिया किया जाता है। ऑप्शन है, हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा, मैकेनिकल प्रेस, लेथ मिलिंग मशीन। तो जो स्पिनिंग ऑपरेशन होता है यह किया जाता है लेथ मशीन पर, यानी कि लेथ पर किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पिनिंग संक्रिया है जो ये लेथ पर की जाती है। स्पिनिंग है क्या, तो स्पिनिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें तन्य धातुओं की चादरों को घूमती हुई डाई के ऊपर बलपूर्वक फैलाकर डाई के अनुरूप आकार प्रदान किया जाता है, और इस प्रक्रिया द्वारा वे वस्तुएं जैसे कटोरा बनाई जाती हैं जो सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन रखती हैं तथा सममितीय होती हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, इन टर्निंग ऑपरेशन द सरफेस फिनिश कैन बी इम्प्रूव्ड बाई डिक्रीजिंग। टर्निंग ऑपरेशन में सतह परिष्करण किसको कम करके सुधार किया जा सकता है? ऑप्शन है कटिंग स्पीड, फीट पर रिवोल्यूशन, रैक एंगल, नोज रेडियस। तो टर्निंग ऑपरेशन में सतह परिष्करण जिसको कम करके सुधार किया जा सकता है वो रहता है फीट पर रिवोल्यूशन, यानी कि फीट प्रति चक्कर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फीट पर रिवोल्यूशन। 129 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्क पीस इज टर्न ऑन ए लेथ एट 100 मीटर पर मिनट, कटिंग स्पीड 0.4 mm पर रिवोल्यूशन फीड रेट एंड 1.5 mm डेप्थ ऑफ कट, व्हाट इज द रेट ऑफ मेटल रिमूवल। यानी कारखंड लेथ मशीन पर वर्क पीस की कटाई 100 मीटर पर मिनट है कटिंग स्पीड, और 0.4 mm पर रिवोल्यूशन भरण दर, और 1.5 mm कट की गहराई के साथ हो रहा है, तो धातु काटने की दर क्या होगी? तो ये जो धातु काटने की दर होगी ये होगी 60,000 mm³ पर मिनट। इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। इसका सलूशन यहाँ पे है कि जो भरण दिया है यस का मान ये है 0.4 mm पर रिवोल्यूशन, और कटाई की जो गहराई दी है 1.5 mm है, और इसलिए और जो वेलासिटी दी है यानी कि कटिंग वेलासिटी ये दिया है 100 मीटर पर मिनट। अब इसको हम mm में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 mm पर मिनट, और काटे गए छिलके की अनुप्रस्थ काट होता है ए इक्वल टू यस इंटू टी, तो इससे ये इतना आ जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और धातु काटने की जो दर होती है वी इक्वल टू होता है अनुप्रस्थ काट गुणे कटाई गति, तो इससे सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा 60,000 mm³ पर मिनट। तो क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन लेंथ ऑफ द वर्क पीस इज 120 mm एंड फीड रेट इज 0.25 mm पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द टर्निंग ऑपरेशन। सीधी खरादन की एक प्रक्रिया में कारखंड की लंबाई 120 mm तथा फीड दर 0.25 mm पर सेकेंड है, खरादन प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए जो खरादन प्रक्रिया में समय लगेगा वो लगेगा 8 मिनट का। इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, इसमें प्रश्न अनुसार दिया है कि कारखंड की जो लंबाई दी है L इक्वल टू 120 mm है, और जो फीड रेट है यहाँ पे होता है VF इक्वल टू दिया है यहाँ पे निकाल कि F इंटू यन इक्वल 0.25 mm पर सेकंड है, और खरादन प्रक्रिया में कितना समय लगता हो ये होता है इसके लिए फार्मूला TM इक्वल टू L बाई FN, FN को बोलते हैं VF, तो L बाई VF इक्वल टू 120 बटा 0.25 हो जाएगा, तो इससे 480 सेकंड आएगा, 480 में 60 से भाग देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, द चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, चैम्फरिंग किसके बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है? तो अभी हम आपको पहले ही बताएंगे कि जो चैम्फरिंग की जाती है या थ्रेड कटिंग के बाद की जाती है, तो आपके सामने ऑप्शन है कि चैम्फरिंग इज एन इसेंशियल ऑपरेशन आफ्टर, चैम्फरिंग किसके बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है? ऑप्शन है नर्लिंग, बोरिंग, रफ टर्निंग, थ्रेड कटिंग। तो चैम्फरिंग जो की जाती है ये थ्रेड कटिंग के बाद की जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थ्रेड कटिंग। चैम्फरिंग चूड़ी कर्तन यानी कि थ्रेड कटिंग के बाद का एक आवश्यक ऑपरेशन है, यह लेथ मशीन की एक प्रक्रिया है जिसमें कटिंग टूल द्वारा जैब के फेस के किनारे को छोटे व्यास में बनाया जाता है, इसमें किनारे को तिरछा किया जाता है या क्रिया टूल द्वारा या कंपाउंड पर बंधे राइट हैंड साइड टूल को 30 से 45 डिग्री के कोण पर बांध कर की जाती है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि नर्लिंग इज एन ऑपरेशन, नर्लिंग एक संक्रिया है। ऑप्शन है ऑफ कटिंग स्मूथ कॉलर्स यानी चिकनी कॉलरों की कटिंग की,
ऑफ अंडर कटिंग यानी कि अंडर कटिंग की, सी है डन विदाउट यूज ऑफ कूलेंट यानी कूलेंट के प्रयोग के बिना किया जाता है, और डी है द जनरली रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप यानी साधारणतः हाथ को पकड़ने के लिए रुच्छ सतह। तो जो नर्लिंग ऑपरेशन है ये है एक साधारण हाथ से पकड़ने के लिए रुच्छ सतह होती है यानी कि ऑफ जनरलिंग रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, साधारणतः हाथ के पकड़ने के लिए सतह रुच्छ किया जाता है नर्लिंग के लिए। 133 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन शुड बी डन फॉर अकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू, सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है काउंटर सिंकिंग, चैम्परिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग। तो सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करना चाहिए यानी कि इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग क्रिया के द्वारा ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए किया जाता है जिससे उसमें बोल्ट, स्क्रू या रिवेट के शीर्ष समा सकें। इसके लिए काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। काउंटर बोरिंग टूल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी जो काउंटर बोरिंग टूल होते हैं उसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है सेंक, फिर होता है कटर, फिर तीसरा होता है पायलट। ये औजार मिश्र धातु इस्पात, उच्च चाल इस्पात या कार्बन औजार इस्पात के बनाए जाते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन है, फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर द सुटेबल मेथड इज, आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए सबसे उच्चतम विधि का है। ऑप्शन है बाय ए फार्म टूल, बाय सेटिंग ओवर द टेल स्टॉक, बाय ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट, बाय स्वीवेलिंग द कंपाउंड रेस्ट। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए सबसे उत्तम विधि जो रहता है वो रहता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा यानी कि बाय ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट उत्तम विधि है। आंतरिक टेपर टर्निंग की चार विधियां होती हैं, जैसे होता है फार्म टूल के द्वारा, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा, कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर। लेकिन इनमें से जो सबसे उच्चतम विधि होती है ये रहती है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। एक सौ पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इम्बोसिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ ए वर्क पीस इज नोन एज। एक कारखंड की सतह पर हीरे के आकृति वाले पैटर्न को बनाने या उतारने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है नर्लिंग, चैम्फरिंग, रीमिंग, पॉलिशिंग। तो एक कारखंड की सतह पर हीरे के आकृति वाले पैटर्न को बनाने या उतारने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा नर्लिंग। नर्लिंग किसी सतह पर हाथ द्वारा अच्छी पकड़ प्राप्त करने के लिए नर्लिंग की क्रिया की जाती है जिससे पकड़कर घुमाने आदि से कारखंड ना फिसल सके, जैसे स्क्रू नट पर तथा लीवर आदि की दस्ती जाप पर सामान्यतः होते हैं। इसे नर्लिंग निम्न प्रकार से की जाती है, जैसे डायमंड नर्लिंग, सीधी नर्लिंग और क्रॉस नर्लिंग, ये सब नर्लिंग के प्रकार होते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बर, बर क्या होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो बर क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है बिल्ट अप एज ऑन ए कटिंग टूल, ए कटिंग टूल बर्नट एंड सेर पेज रिमेनिंग ऑफ मेटल आफ्टर कटिंग स्टैम्पिंग एंड मशीनिंग। तो इसका डी ऑप्शन से होगा, पहले ही बता चुके हैं, आज भी चुका है ये क्वेश्चन कि काटने, मुद्रांकन और मशीनिंग के बाद धातु पर रहने वाले तेज किनारा बर कहलाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, फेसिंग ऑपरेशन इज, फेसिंग प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन है बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ द वर्क पीस यानी कारखंड के बाहर सिरे की बेवलिंग करना, रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्क पीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, सी है मशीनिंग ऑफ द एंड ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विथ द एक्सिस। तो फेसिंग एक प्रक्रिया है
जिसमें कार्यखंड के अक्ष के साथ उसके सिरे पर मशीनिंग करके समतल वर्गाकार सतह बनाया जाता है। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मशीनिंग ऑफ एंड ऑफ ए वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए फ्लैट सरफेस स्क्वायर विथ द एक्सिस। तो इसका यही है सी ऑप्शन, कार्यखंड के अक्ष के साथ उसके सिरे पर मशीनिंग करके समतल वर्गाकार सतह बनाना ही फेसिंग क्रिया है। 138 नंबर क्वेश्चन है, इन ग्रूविंग ऑपरेशन इज डन, खांचन यानी कि ग्रूविंग में क्या कार्य किया जाता है। ऑप्शन है इम्बसिंग ए डायमंड शेप्ड पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वर्कपीस, किसी वर्कपीस की सतह पर हीरे के आकार के पैटर्न को चिपकाना। बी है बेवलिंग द एक्सट्रीमी एंड ऑफ द वर्कपीस, वर्कपीस के चरम किनारे के बेवलिंग करना। सी है रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ ए वर्कपीस ओवर ए वेरी नैरो सरफेस, यानी किसी बहुत संकीर्ण सतह के ऊपर वर्कपीस के व्यास को कम करना। टी है इनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली, एक छेद के सिरे को बेलनीय रूप से बड़ा करना। तो ग्रूविंग ऑपरेशन में जो काम किया जाता है वो रहता है कि किसी बहुत संकीर्ण सतह के ऊपर वर्कपीस के व्यास को कम करना ही ग्रूविंग कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रूविंग क्या है कि कम चौड़ाई में कार्यखंड का व्यास घटाया तथा खांचा प्राप्त किया जाता है, इसे ही ग्रूविंग कहते हैं। इसका उपयोग चूड़ी के अंत में कंधे के पास किया जाता है, यानी कि शोल्डर के पास किया जाता है, जिससे अन्य क्रियाओं के लिए औजार द्वारा क्रिया में कुछ जगह छूट जाए। और यह पार्टिंग आप की तरह क्रिया करता है, क्रिया के अंतर्गत घूमते हुए कार्यखंड पर आवश्यक आकृति तथा साइज के औजार को क्रॉस फीड देकर ग्रूविंग ऑपरेशन की जाती है। इस क्रिया में जो कटिंग स्पीड तथा फीड का मान कम रखा जाता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ विल बी स्पिंडल स्पीड बी मिनिमम, खराद पर निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया में तुर्क की चाल यानी कि स्पिंडल की चाल न्यूनतम होगी। ऑप्शन है नर्लिंग, फाइन फिनिशिंग, टेपर टर्निंग, थ्रेड कटिंग। तो खराद पर जो स्पिंडल की गति सबसे न्यूनतम की रहती है वो थ्रेड कटिंग पर की जाती है, यानी कि जो अगर हम लोग थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग जो लेथ का स्पिंडल को जो स्पीड रहता है वो हम लोग मिनिमम रखते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के दौरान हम लोग खराद का जो स्पिंडल होता है उसकी स्पीड हम लोग कम करते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है, इन ए टेपर टर्निंग ऑपरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द जॉब आर कैपिटल डी एंड स्मॉल डी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टेपर एंगल इफ द जॉब लेंथ इज एल। किसी सुंडाकार खरादन संक्रिया में कृत्य के अधिकतम और न्यूनतम व्यास क्रमशः कैपिटल डी और स्मॉल डी हैं, यदि कृत्य की लंबाई एल है तो टेपर कोण क्या होगा। तो जो टेपर कोण का फार्मूला होता है वो रहता है कि टेन इनवर्स इंटू जो रहता है टेन इनवर्स ब्रैकेट में कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू एल होता है। तो इसका ए आंसर सही है। ये देखिए इसका जो टेपर टर्निंग का जो फार्मूला होता है ये होता है कि टेन अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू एल होता है। दोस्तों अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 141 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉनिकल सरफेस बाई ग्रेजुअल रिडक्शन इन डायमीटर इज नोन एज, व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कोण सतह को जाना जाता है। ऑप्शन है टेपर टर्निंग, नर्लिंग, थ्रेडिंग, बोरिंग। तो व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कोण की सतह को हम लोग जानते हैं टेपर टर्निंग। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा टेपर टर्निंग। व्यास में धीरे धीरे कमी द्वारा उत्पादित कोण सतह को हम लोग टेपर टर्निंग कहते हैं। वे खंड जिनका सज लंबाई के साथ लगातार बढ़ाया या घटाया बढ़ता या घटता है टेपर कहलाते हैं। लेथ के द्वारा मशीनिंग से सामान्यतः वृत्ताकार यानी कि क्रॉस सेक्शन वाले अंग प्राप्त होते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, चैम्फरिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
ऑप्शन है कार्यस्थल के बिल्कुल अंतिम भाग की प्रवणता, बी है वर्कपीस की सतह पर हीरे की आकृति और विन्यासी जैसे उभरी आकृति बनाना, सी है बहुत ही संकरी सतह पर वर्कपीस की त्रिज्या को कम करना, डी है एनलार्जिंग द एंड ऑफ ए होल सिलेंड्रिकली। तो निरंतर जो होता है यानी कि जो चैम्फरिंग होता है, चैम्फरिंग प्रक्रिया किसका ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन है कि बेलिंग द स्ट्रीमिंग एंड ऑफ ए वर्क प्लेस। जो चैम्फरिंग प्रोसेस होता है ये बेलिंग ऑफ एक्सट्रीमिंग एंड ऑफ ए वर्क पीस होगा। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 143 नंबर क्वेश्चन है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज्ड इन ए, निम्न में से किसमें द्रुत परिवर्तन यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, शेपिंग मशीन। तो जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज किया जाता है वो किया जाता है शेपिंग मशीन में, यानी कि संरूपण मशीन में किया जाता है। तो शेपर मशीन में जो अग्र स्ट्रोक व पश्च स्ट्रोक का अनुपात होता है ये 3:2 होता है, और क्विक रिटर्न मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के संयोजक दंड यानी कनेक्टिंग रॉड को बद्ध करके प्राप्त किया जाता है, और शेपर मशीन में जो सिंगल पॉइंट कटिंग एंगल वाला औजार प्रयोग किया जाता है इसमें। 144 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्लॉटिंग मशीन कटिंग एक्शन टेक्स प्लेस इन, स्लॉट मशीन में कर्तन कार्य कहाँ होता है। ऑप्शन है डाउनवर्ड स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो स्लॉटिंग मशीन में जो कर्तन कार्य होता है वो किया जाता है डाउनवर्ड स्ट्रोक में, यानी कि अधोमुखी स्ट्रोक में किया जाता है। स्लॉट मशीन में कर्तन कार्य अधोमुखी स्ट्रोक में किया जाता है। स्लॉटिंग क्रिया में औजार ऊर्ध्व में मुख्य गति करता है और ऊपर नीचे होता है, इसमें औजार नीचे आने पर कटाई करता है जिसे कार्यकारी स्ट्रोक कहते हैं। कटाई की गहराई तथा भरण कार्यखंड द्वारा प्राप्त की जाती है। 145 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सेपर मशीन द मैकेनिज्म फॉर टूल फीड इज, एक सेपर मशीन में उपकरण की उपकरण फीड के लिए यंत्र विन्यास है। ऑप्शन है जिनेवा मैकेनिज्म, व्हिटवर्थ मैकेनिज्म, रैचेट एंड पाल मैकेनिज्म, डी है वर्ड लेनार्ड सिस्टम। तो एक सेपर मशीन में उपकरण फीड के लिए जो यंत्र विन्यास होता है वो रहता है रैचेट एंड पाल मैकेनिज्म। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैचेट एंड पाल मैकेनिज्म। 146 नंबर क्वेश्चन है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इज टाइपिकली विच यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन, निम्न में से किस मशीन के लिए मुख्यतः शीघ्र प्रतिगमन गति यानी क्विक रिटर्न मोशन प्रणाली का उपयोग होता है। ऑप्शन है ओपन डाई फोर्ज, हाइड्रोलिक प्रेस, सेपर लेथ। तो क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में जो यूज करता है ये प्राय करता है सेपर मशीन, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा सेपर। 147 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट ओवरऑल एवरेज स्पीड ऑफ ऑपरेशन व्हेन स्ट्रोक ऑफ ए शेपिंग इज 250 mm, इट टेक्स 30 डबल स्ट्रोक पर मिनट। संपूर्ण औसत गति की गणना कीजिए जब शेपिंग मशीन की स्ट्रोक 250 mm है तथा यह 1 मिनट में 30 दोहरा स्ट्रोक बनाता है। जिसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मीटर पर मिनट। इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं कि स्ट्रोक लंबाई जो यल दिया है ये दिया है 250 mm, यानी कि इसको मीटर में बदलें तो 0.250 मीटर आएगा, और यन का मान होता है V/2L, जहाँ पे Vm होता है औसत गति, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो Vm=15 मीटर पर मिनट आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोशन ऑफ टूल इन शेपिंग मशीन प्रोसेस,
शेपिंग प्रोसेस में निम्न में से औजार की गति कौन सी होती है? ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग, रोटेटिंग, ऑसिलेटिंग, स्टेशनरी। तो शेपिंग प्रोसेस जो होता है इसमें जो मोशन रहता है ये रहता है रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि प्रत्यागामी रहता है। शेपिंग क्रिया के अंतर्गत कारखंड से धातु का छिलका एकल बिंदु औजार द्वारा सीधी पट्टी के रूप में काटा जाता है, जबकि औजार क्षैतिज में सरल रेखा में पश्चाग्रगत करता है, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। औजार द्वारा कटाई अग्र स्ट्रोक में ही होती है। शेपर मशीन में अग्र स्ट्रोक की अग्र स्ट्रोक जो होता है उसे हम लोग वर्किंग स्ट्रोक बोलते हैं। तो 149 नंबर अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, यानी सी इन सब में कौन सा ऐसा मशीन है जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है? ऑप्शन है स्लॉटर, प्लेनर, सेपर, ब्रोचिंग। तो इनमें से जो ब्रोचिंग मशीन होता है ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है। तो ब्रोचिंग मशीन में होता क्या है कि ब्रोचिंग मशीन में द्रुत वापसी यंत्रावली की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि स्लॉटर, प्लेनर तथा सेपर मशीनों में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है, तथा इन मशीनों का मुख्य गति के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, साइज 750 mm गुणे 350 mm तथा यह है 2.5 mm का एक मानक या डबल हाउसिंग प्लेनर का अर्थ है कि एक, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है, जिसका जो मतलब होता है ये होता है कि इसकी चौड़ाई जो है ये 750 है, ऊंचाई 350 है और जो लंबाई है ये 2.5 है। एक सौ 51 नंबर क्वेश्चन है, द प्लेनर मशीन इज विच थ्री सरफेस कैन बी मशीनड एट ए टाइम इज, प्लेनर मशीन जिसमें एक ही समय में तीन सतहों पर मशीनिंग क्रिया होती है। ऑप्शन है ओपन हाउसिंग प्लेनर, डबल हाउसिंग प्लेनर, पिट प्लेनर, इज और प्लेट प्लेनर। तो प्लेनर मशीन जिसमें एक ही समय में तीन सतहों पर मशीनिंग प्रक्रिया रहती है वो रहती है डबल हाउसिंग प्लेनर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल हाउसिंग प्लेनर। डबल हाउसिंग प्लेनर मशीन में एक ही समय में तीन सतहों पर मशीनिंग प्रक्रिया होती है। प्लेनर मशीन के संदर्भ में हाउसिंग दृढ़ ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जो ढलाई विधि द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्लेनर मशीन पर आधार के प्रत्येक तरफ केंद्र के पास लगे होते हैं। प्लेनर मशीन में एक, दो अथवा अधिक हाउसिंग हो सकती है। 152 नंबर क्वेश्चन है, साइज ऑफ सेपर स्पेसिफाइड बाय, सेपर का आकार किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? ऑप्शन है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, साइज ऑफ टेबल, साइज ऑफ बेड, पावर ऑफ मोटर। तो जो सेपर का साइज होता है ये स्पेसिफाइड किया जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रोक से। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि सेपर का जो आकार होता है ये निर्दिष्ट किया जाता है स्ट्रोक की लंबाई के द्वारा। 153 नंबर क्वेश्चन है, टूल ऑफ सेपर इज, सेपर औजार क्या है? ऑप्शन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, क्वाड्रपल पॉइंट कटिंग टूल यानी चार बिंदु कर्तन औजार, डबल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो जो सेपर औजार रहता है ये रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, यानी कि एकल बिंदु कर्तन औजार होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। 154 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सेपर द मेटल इज रिमूव्ड ड्यूरिंग, एक सेपर में धातु किसके दौरान हटाई जाती है? ऑप्शन है फॉरवर्ड स्ट्रोक, बोथ द फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, नाइदर द फॉरवर्ड नॉर द रिटर्न स्ट्रोक। तो जो सेपर रहती है सेपर मशीन उसमें जो मेटल का रिमूवल हो किया जाता है वो किया जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में। 155 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड ऑफ द टूल इन ए मैकेनिकल सेपर इज, एक यांत्रिक सेपर में औजार की कटाई गति होती है। ऑप्शन है, तो एक यांत्रिक सेपर में जो औजार की कटाई गति होती है
वो रहती है कि कटाई स्ट्रोक के मध्य पर अधिकतम होती है, यानी कि मैक्सिमम एट द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सिमम एट द मिडिल ऑफ द कटिंग स्ट्रोक यानी कटाई स्ट्रोक के मध्य पर अधिकतम होता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, द टूल यूज्ड इन द सेपर इज ए। सेपर में प्रयुक्त होने वाला टूल होता है, ऑप्शन है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, टू पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, नन ऑफ दीज। तो सेपर में जो प्रयुक्त टूल होता है वो रहता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सेपर में प्रयुक्त होने वाला टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सेपर में फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई होती है और सेपर मशीन में फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड स्ट्रोक का जो रेशियो होता है ये 3:2 का रेशियो होता है। 157 नंबर क्वेश्चन है, इन मशीन टूल चैटर इज ड्यू टू। मशीन औजारों में खटखट की आवाज़ होने का कारण क्या है, ऑप्शन है फ्री वाइब्रेशन, रैंडम वाइब्रेशन, फोर्ड वाइब्रेशन, सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। तो मशीन औजारों में जो खटखट की आवाज़ होने का कारण होता है वो रहता है सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन, यानी कि उसमें उद्दीप्त कंपन के कारण होता है। 158 नंबर क्वेश्चन है, द विजुअल रेशियो ऑफ फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक इन सेपर इज। सेपर में अग्रगामी और वापसी स्ट्रोक का समान अनुपात क्या है, तो अभी आपको हम पहले ही बताएं ये जो रेशियो होता है 3:2 होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:2। 159 नंबर क्वेश्चन है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज इनकॉर्पोरेटेड इन ए। द्रुत प्रतिवर्ती यंत्रावली समाविष्ट की जाती है, ऑप्शन है लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन। आपको इसमें बताना है इन चारों में किसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो शेपिंग मशीन होता है उसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शेपिंग मशीन। 160 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेपर फॉर फिनिशिंग मशीनिंग द प्रैक्टिस इज टू यूज। संरूपित्र के बारे में परिष्कृत मशीनन के लिए क्या प्रक्रिया है, ऑप्शन है मैक्सिमम फीड एट हाई स्पीड, मैक्सिमम फीड्स एट स्लो स्पीड, मिनिमम फीड एट स्लो स्पीड, मिनिमम फीड एट हाई स्पीड। तो संरूपित के बारे में परिष्कृत मशीनन के लिए जो प्रक्रिया है वो रहता है कि उच्च गति पर न्यूनतम भरण, यानी कि मिनिमम फीड एट हाई रेट, हाई स्पीड, मिनिमम फीड एंड हाई स्पीड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइल यूजिंग हाई स्पीड स्टील टूल ऑन लेथ द स्पीड ऑफ चक विल बी लोवेस्ट व्हाइल मशीनिंग। खराद पर उच्च गति वाले इस्पात के औजारों का प्रयोग करते समय चक्र की गति सबसे कम किसकी मशीनन करते समय होगी, तो ऑप्शन है एल्युमिनियम, ब्रास, कास्ट आयरन, कॉपर। तो खराद पर उच्च गति वाले इस्पात के औजारों का प्रयोग करते समय चक्र की गति सबसे कम जो की जाती है वो रहती है कास्ट आयरन की। खराद पर उच्च गति वाले इस्पात के औजार के द्वारा ढलवा लोहे पर सबसे कम गति होती है क्योंकि यह भंगुर पदार्थ होता है तथा कम मशीनन योग्य होता है। 162 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टर्निंग माइल्ड स्टील इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कट रिमेन कॉन्स्टेंट द कटिंग फोर्स विल बी मिनिमम इज इफ डेप्थ ऑफ कट इज। मृदु इस्पात के खरादन में यदि कटाई के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल स्थिर हैं तो कटाई की गहराई कितनी होने पर कर्तन बल न्यूनतम होगा, ऑप्शन है 1.5 times ऑफ फीड पर रिवोल्यूशन, 2 times ऑफ फीड पर रिवोल्यूशन, 1/2 feet पर रिवोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फीड पर रिवोल्यूशन। तो मृदु इस्पात के खरादन में यदि कटाई के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रहता है तो कटाई की गहराई जो रहती है वो प्रति परिक्रमण के भरण के लगभग बराबर होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द फीड पर रिवोल्यूशन। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 163 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ए प्लेनर, यानी कि एक प्लेनर की स्थिति में क्या होता है। द
दोस्तों अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग शेयर कर दें, दो चार 5 सेकंड का समय निकालें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ए प्लेनर, एक प्लेनर की स्थिति में क्या होता है। ऑप्शन है वर्क इज स्टेशनरी एंड टूल रेसिप्रोकेट्स, यानी कारखंड स्थिर रहता है और पश्चाग्र गति करता है। बी है वर्क रेसिप्रोकेट एंड टूल इज स्टेशनरी, यानी कि कारखंड बदलता है और उपकरण अपरिवर्तित रहता है। सी है वर्क एंड टूल बोथ रेसिप्रोकेट, डी है नन ऑफ द एबव। तो जो प्लेनर में रहता है, प्लेनर में रहता है कि वर्क रेसिप्रोकेट एंड टूल इज स्टेशनरी, यानी कि जो प्लेनर रहता है उसमें कार्यखंड बदलता है और जो टूल होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है इन ए सेपर मशीन द कटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म ड्यूरिंग, एक सेपर मशीन में काटने का काम किस चरण के दौरान किया जाता है। तो सेपर मशीन में काटने का काम जो किया जाता है वो किया जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक ऑफ ए टूल। 165 नंबर क्वेश्चन है द मशीन ऑन विच द जब रेसिप्रोकेट एंड द टूल रिमेन्स स्टेशनरी इज नोन एज, वह मशीन जिस पर जब पश्चाग्र गति करता है तथा टूल स्थिर रहता है को क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्लेनर, सेपर, ड्रिलिंग, मिलिंग। तो वह मशीन जिस पर जब पश्चाग्र गति करता है तथा टूल स्थिर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लेनर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेनर। प्लेनर ऐसी मशीन है जिसमें जब पश्चाग्र गति करता था तथा टूल स्थिर रहता है, जबकि सेपर मशीन में टूल पश्चाग्र गति करता है। प्लेनर मशीन में जाप पश्चाग्र गति करता है और टूल स्थिर रहता है, जबकि सेपर मशीन में टूल पश्चाग्र गति करता है तथा वर्कपीस स्थिर रहता है। मिलिंग एवं ड्रिलिंग में टूल रोटरी मोशन करता है। 166 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, कौन सा क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग करता है। ऑप्शन है सेपर, ड्रिलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, मिलिंग मशीन। तो जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग करता है वो रहता है सेपर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सेपर। 167 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग, इनमें से कौन से एक लंब कोणीय कटाई का उदाहरण है। ऑप्शन है शेपिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग। तो इनमें से जो ऑर्थोगोनल कटिंग का एग्जांपल है वो है शेपिंग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शेपिंग। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हमारा 168 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट स्पेस होल अराउंड ए सर्कुलर पार्ट, एक गोलाकार भाग के आसपास सटीक अंतरिक्ष छेद के लिए किस तरह के जिग्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लेट, टेम्पलेट, ड्रिल, इंडेक्सिंग। तो एक गोलाकार भाग के आसपास सटीक अंतरिक्ष छेद के लिए हम लोग जो जिग्स का उपयोग करते हैं वो रहता है इंडेक्सिंग जिग्स। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडेक्सिंग तरह का जिग्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। इंडेक्सिंग क्या है, ये कि इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग ड्रिल छिद्र के लिए किया जाता है। इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग ड्रिल छिद्र के लिए किया जाता है जो किसी भी वृत्ताकार जाब की परिधि पर समान स्थान पर ड्रिल किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडेक्सिंग। 169 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज सुपीरियर टू अदर मशीन इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश, सटीकता और सतह खत्म होने के मामले में निम्न मशीनों में से कौन सी मशीन अन्य मशीनों से बेहतर है। ऑप्शन है स्लॉटिंग मशीन, मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, शेपिंग मशीन। तो एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश के मामले में जो सबसे बेहतर मशीन रहती है वो रहती है मिलिंग मशीन। इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, मिलिंग मशीन। 170 नंबर क्वेश्चन है
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय ए मिलिंग कटर विच इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क पीस। यानी कि धातु हटाने की कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मिलिंग कटर कार्यखंड की चलने की विपरीत दिशा में रोटेट करता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाई ए कटर विच इज रोटेटेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क पीस इज कॉल्ड। यानी कि एक कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो कार्यखंड की यात्रा की दिशा के विपरीत में घूमता है क्या कहता है? ऑप्शन है इंड मिलिंग, डाउन मिलिंग, फेस मिलिंग, अप मिलिंग। तो एक कटर द्वारा धातु को हटाने की प्रक्रिया जो कारखंड की यात्रा के विपरीत दिशा में घूमता है उसे हम लोग बोलते हैं अप मिलिंग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अप मिलिंग। अप मिलिंग क्या है कि इस विधि में कारखंड की फीड कटर की घुमाव दिशा के विरुद्ध होती है। इसे रूढ़ या कन्वेक्शनल मिलिंग भी कहते हैं। इसे कटाई आरंभ के समय धातु कम तथा अंत में अधिक धातु काटता है। इसमें घर्षण अधिक होता है। इसमें कटर कारखंड को उठाने की प्रवृत्ति रखता है। और डाउन मिलिंग क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि डाउन मिलिंग एक ऐसी विधि है जिसमें कारखंड की फीड दिशा तथा कटर की घुमाव दिशा एक ही होते हैं। और डाउन मिलिंग के अंतर्गत वर्कपीस मशीन टेबल पर दबा रहता है और डाउन मिलिंग में पतले वर्कपीस की मशीनिंग की जाती है। इसमें अप मिलिंग की अपेक्षा अधिक सरफेस फिनिशिंग मिलती है। इसे कंबाइंड क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं। डाउन मिलिंग को हम लोग क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट टीथ स्लैब मिलिंग कटर ऑफ 100 mm डायमीटर एंड 10 टीथ रोटेटिंग एट 200 RPM इज यूज्ड टू रिमूव ए लेयर ऑफ 3 mm थिकनेस फ्रॉम ए स्टील बार। इफ द टेबल फीड इज 400 mm पर मिनट द फीड पर टूथ इन दिस ऑपरेशन विल बी। 100 mm व्यास का एक सीधे दांत वाला स्लैब मिलिंग कटर और 200 RPM एक घूर्णन करने वाले 10 दांते एक इस्पात छड़ से 3 mm मोटाई की एक परत हटाने में प्रयोग किए जाते हैं। एक टेबल की फीट 400 mm पर मिनट है तो इसकी प्राचल में प्रति दांता फीट क्या होगी? ऑप्शन है 0.2 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm। तो इसका जो होगा सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए 0.2 mm। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका फार्मूला निकालने का यही होता है, टेबल फीड बटे कटर की घूर्णन गति गुणे दांतों की संख्या। इसमें जो टेबल फीड दिया है ये 400 दिया है और कटर की घूर्णन गति 200 और दांतों की संख्या 10 है, तो इसे फीट प्रति दांता निकालेंगे तो 0.2 mm आ जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 0.2 mm। 172 नंबर क्वेश्चन है, वर्कपीस होल्डिंग डिवाइस इन मिलिंग एंड ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में कार्य को पकड़ने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो मिलिंग और ग्राइंडिंग ऑपरेशन में कार्य को पकड़ने वाले उपकरण को हम लोग बोलते हैं फिक्सचर। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फिक्सचर। फिक्सचर क्या है कि फिक्सचर का प्रयोग मिलिंग, टर्निंग, ब्रोचिंग और ग्राइंडिंग मशीन पर कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। जिग का प्रयोग औजार को पकड़ने व निर्देश करने के लिए ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, काउंटर बोरिंग तथा काउंटर सिंकिंग में किया जाता है। तो 172 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, फिक्सचर। 173 नंबर क्वेश्चन है, द बेसिक टूलिंग बिट ऑन ए मिलिंग मशीन इज कॉल्ड एज द। एक मिलिंग मशीन पर टूल मूल टूलिंग बिट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कटर, आर्बर, वर्क होल्डिंग डिवाइस, कटिंग टूल। तो एक मिलिंग मशीन पर मूल टूलिंग बिट को हम लोग कहते हैं कटर। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कटर। 174 नंबर क्वेश्चन है, ए मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ इज रोटेटिंग 200 RPM इफ द फीड पर टूथ इज 0.1 mm देन व्हाट इज इट्स स्पीड। एक मिलिंग कटर जिसमें 8 दांते हैं यह 200 RPM पर घूम रहा है, यदि भरण प्रति दांता 0.1 mm हो तो इसकी गति क्या होगी? तो इसकी जो गति होगी ये होगी 160 mm पर मिनट।
160 mm पर मिनट होगी, क्योंकि इसमें जो फार्मूला रहता है आपको बता देते हैं कि यस इक्वल टू होता है, ये जो है यस है भरण प्रति मिनट या चाल होता है, ये होता है एन एफ टी। एन है जो आरपीएम में रहता है, एफ है भरण प्रतिदाता और टी है टाइम। तो इससे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो 160 mm पर मिनट आ जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग गिवन बेटर टू लाइफ एंड गुड सरफेस फिनिश, इनमें से कौन सा प्रक्रम अच्छी सतह परिष्करण तथा अच्छा औजार जीवन काल देता है। ऑप्शन है फार्म मिलिंग, गैंग मिलिंग, डाउन मिलिंग, अप मिलिंग। तो आपको बता देते हैं जो होता है हम लोगों का डाउन मिलिंग, यह प्रक्रम अच्छी सतह परिष्करण और अच्छा औजार जीवन काल देता है। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में सतह परिष्करण अच्छा तथा जीवन काल अधिक होता है। डाउन मिलिंग में कारखंड की फीड दिशा तथा कटर की घुमाव दिशा एक ही होती है और इस क्रिया में कारखंड मशीन टेबल पर दबा रहता है और इस विधि द्वारा पतले वर्कपीस की मशीनिंग की जाती है। इसे हम लोग क्लाइंब मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। डाउन मिलिंग को हम लोग क्लाइंब मिलिंग के नाम से भी जानते हैं। वन सेवेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग कैन बी परफॉर्म बाई, बोरिंग किसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। ऑप्शन है बोरिंग मशीन ओनली, बोरिंग मशीन एंड लेथ, ए मशीन ओनली बाई सिंगल पॉइंट हाई स्पीड कार्बाइड टूल, बोरिंग मशीन, लेथ एंड मिलिंग मशीन। तो बोरिंग इसके द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, यह है बोरिंग मशीन, लेथ एंड मिलिंग मशीन द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 177 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग टूल इन ए मिलिंग मशीन इज माउंटेड ऑन, एक मिलिंग मशीन में कटिंग टूल माउंट किया जा सकता है। ऑप्शन है स्पिंडल, कॉलम, आर्बर, नी। तो एक मिलिंग मशीन में कटिंग टूल को जो माउंट किया जाता है वह किया जाता है आर्बर से। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा आर्बर। 178 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है इट कैन बी यूज्ड ऑन मशीन्स ड्यू टू बैकलेस बिटवीन द फीड स्क्रू ऑफ द टेबल एंड द नट, बैकलेस के कारण यह पुराने मशीन पर टेबल के फीड स्क्रू एवं नट के बीच प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सही कथन है, ये सही कथन है। और है द सरफेस मिल्ड एपियर्स टू स्लाइटली वेवी, मिलिंग सतह थोड़ा वेवी यानी घुघराला प्रतीत होता है। ये गलत है, ये घुघराला प्रतीत नहीं होता है। तो इसमें गलत कथन पूछा है तो इसका बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन इज क्लासिफाइड एज होरिजेंटल और वर्टिकल टाइप डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ, किसकी स्थिति के आधार पर मिलिंग मशीन को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है स्पिंडल यानी कि तुर्क, वर्कपीस यानी कि कारखंड, मिलिंग कटर मतलब मिलिंग कर्तक, वर्क टेबल और बेड यानी कि कार्यपटल या तल। तो मिलिंग मशीन को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, यह स्पिंडल के आधार पर किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा स्पिंडल। स्पिंडल के आधार पर मिलिंग मशीन को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। मिलिंग मशीन पर मशीनन के लिए कटाई औजार को घुमाया जाता है, यह घुमाव गति कटर को अप्रत्यक्ष रूप से स्पिंडल से प्राप्त होती है। कटर को सीधे ही स्पिंडल के टेपरित छेद में इसके टेपर शंक को घुसाकर भी पकड़ते हैं। अधिकतम स्थितियों में कटर को आर्बर पर पकड़ते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल गियर कैन बी मेड बाय, आंतरिक गियर किसके द्वारा बनाया जा सकता है। ऑप्शन है हबिंग,
गियर शेपिंग विथ रैक कटर यानी कि रैक कटर के साथ गियर शेपिंग, गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर यानी कि पिनियन कटर के साथ गियर शेपिंग, डी है गैंग मिलिंग। तो आंतरिक गियर जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर यानी कि पिनियन कटर के साथ गियर शेपिंग के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गियर शेपिंग विथ पिनियन कटर। और गियर शेपिंग क्रिया जिन मशीनों पर की जाती है उन्हें हम लोग गियर शेपर कहते हैं। गियर शेपर पर प्रमुख गतियां भी होती हैं, जैसे गियर शेपर के कटर की अपने अक्ष पर घुमाव गति, गियर ब्लैंक की अपने अक्ष पर घुमाव गति, शेपर कटर की गियर ब्लैंक के केंद्र की दिशा में भरण, कटर के वापसी स्ट्रोक के लिए गियर ब्लैंक को पीछे हटाने की गति, ये सब इसमें प्रोसेस होते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है, इन मिलिंग मशीन द कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजीशन बाय। मिलिंग मशीन में कटाई औजार के द्वारा अवस्थित में लाया जाता है। ऑप्शन है चक स्पिंडल आरबर टूल होल्डर। तो मिलिंग मशीन में कटाई औजार के द्वारा जो अवस्थित में लाया जाता है रहता है आरबर, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा आरबर। आरबर है क्या? आरबर एक यथार्थ रूप से मशीन शाफ्ट के रूप में होता है जो कटर को होल्ड करता है और इसे घुमाव गति प्रदान करता है। कटर तथा आर्बर के बीच सापेक्ष गति नहीं होती है। आर्बर एक सिरे पर टेपर होता है जिसे स्पिंडल में फिट किया गया होता है। आर्बर को घुमाव गति अप्रत्यक्ष रूप से स्पिंडल से प्राप्त होती है। 182 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रूव्स अराउंड द पेरीफेरी ऑफ ए सिलेंड्रिकल आर कोनिकल वर्क पीस इज कॉल्ड। एक बेलनाकार या शंक्वाकार कारखंड की परिधि के परितः ग्रूव बनाने की संक्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोफाइल मिलिंग, गैंग मिलिंग, सॉ मिलिंग, हेलिकल मिलिंग। तो एक बेलनाकार या शंक्वाकार वर्कपीस की परिधि के परितः ग्रूव बनाने की संक्रिया को हम लोग बोलते हैं हेलिकल गियर, हेलिकल मिलिंग, सॉरी हेलिकल मिलिंग बोलते हैं। हेलिकल मिलिंग क्या है कि इस मिलिंग द्वारा बेलनाकार या शंक्वाकार वर्कपीस की परिधि पर हेलिकल खांचे तथा नालियां बनाई जाती हैं। अब गैंग मिलिंग क्या है? गैंग मिलिंग में एक साथ कई सतहों का निर्माण किया जाता है और इसके लिए एक ही आर्बर पर एक साथ कई मिलिंग कटर बांधे जाते हैं। और अब हम लोग जान लेते हैं सा मिलिंग के बारे में। तो सा मिलिंग यानी कि आरी मिलिंग। तो आरी मिलिंग में आरी मिलिंग कटर की सहायता से वर्कपीस पर सकरे खांचे और झिर्री आदि बनाई जाती हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है, इन ए प्लेन मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी मूव्ड। एक प्लेन मिलिंग मशीन में टेबल को घुमाया जा सकता है। ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, क्रॉसवाइज, वर्टिकली, ऑल ऑफ दीज। तो जो एक प्लेन मिलिंग मशीन में जो टेबल को घुमाया जा सकता है वो लॉन्गिट्यूडिनल भी घुमाया जा सकता है, क्रॉसवाइज भी घुमाया जा सकता है, वर्टिकली भी घुमाया जा सकता है। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 184 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग स्पीड ऑफ ए मिलिंग कटर व्हाइल कटिंग ब्रश इज। पीतल की कटाई के दौरान एक मिलिंग कटर की कटाई गति कितनी होती है? तो पीतल की कटाई के दौरान एक मिलिंग कटर की जो कटाई गति होती है वो रहती है 45 से 60 मीटर पर मिनट। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा 45 से 60 मीटर पर मिनट। पीतल के लिए है ये, ढलवा लोहे के लिए बता देते हैं आपको कि ये होता है 21 से 30 मीटर पर मिनट, और कांसा के लिए होता है 24 से 45 मीटर पर मिनट, और मृदु इस्पात के लिए होता है 23 से 31 मीटर पर मिनट, और एल्युमिनियम के लिए होता है 150 से 300 मीटर पर मिनट। 185 नंबर क्वेश्चन है, द आर्बर ऑफ ए मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू होल्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक मिलिंग मशीन का आर्बर निम्न में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्पिंडल, ओवर आर्म यानी कि ऊपरी भुजा, कटिंग टूल यानी कटाई औजार, मैंड्रिल। तो एक मिलिंग मशीन का आर्बर हम लोग कटिंग टूल को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन यही था कि एक मिलिंग मशीन का आर्वर निम्न में से किसको पकड़ने के लिए करते हैं। तो कटिंग टूल को पकड़ने के लिए हम लोग मिलिंग मशीन पर आर्वर का प्रयोग करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, कटिंग टूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 186 नंबर क्वेश्चन है, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन द टीथ ऑफ एन इंटरनल स्पर गियर कैन बी कट एक्यूरेटली। निम्न में से किस मशीन के द्वारा एक आंतरिक स्पर गियर के दांत यथार्थ रूप से काटे जाते हैं। ऑप्शन है मिलिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन, हबिंग मशीन, गियर शेपिंग मशीन। तो हम लोगों जो होता है गियर शेपिंग मशीन, तो गियर शेपिंग मशीन के द्वारा एक आंतरिक स्पर गियर के दांत यथार्थ रूप से काटे जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गियर शेपिंग मशीन। एक आंतरिक स्पर गियर शेपिंग मशीन पर यथार्थतापूर्वक काटी जाती है। गियर शेपिंग में दो प्रकार के टूल कटर का प्रयोग करते हैं और वो है रैक प्रकार एवं पिनियन प्रकार के टूल, यही दोनों यूज किए जाते हैं। पिनियन प्रकार के कटर से अधिक आंतरिक गियर को बनाया जाता है। 187 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, बाय थ्रेड किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन है रोलिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग। तो जो बाय थ्रेड की उत्पादित किया जाता है, यह रोलिंग द्वारा भी किया जाता है, ग्राइंडिंग द्वारा भी किया जाता है, मिलिंग द्वारा भी किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1, 2 और 3। 188 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए गियर हबिंग प्रोसेस। निम्न में से कौन सा लक्षण गियर हबिंग प्रक्रिया का नहीं है। ऑप्शन है हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उच्च गति का उत्पादन, जनरेशन ऑफ हेलिकल गियर यानी हेलिकल गियर का जनरेशन, वेरी एक्यूरेट टूथ प्रोफाइल यानी कि अधिक शुद्ध दांत प्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इंटरनल गियर्स यानी कि आंतरिक गियर का उत्पादन। तो इनमें से जो गियर हैविंग प्रक्रिया का लक्षण नहीं है, यह है जनरेशन ऑफ इंटरनल गियर। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, जनरेशन ऑफ इंटरनल गियर का, ये गियर हैविंग का प्रक्रिया नहीं है। आंतरिक गियर गियर हबिंग द्वारा नहीं बनाया जाता है, जबकि स्पर गियर, हेलिकल गियर और हेरिंग बोन गियर इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त स्प्रॉकेट एवं स्पलाइन गियर भी बनाए जाते हैं। इसके द्वारा असीमित आकार के गियर नहीं बनाए जा सकते हैं। हबिंग के द्वारा कम समय में बहुत अधिक मात्रा में गियर का उत्पादन किया जाता है। 189 नंबर क्वेश्चन है, स्विस टाइप स्क्रू मशीन है, स्विस प्रकार स्क्रू मशीन में होता है। ऑप्शन है टरेट, रेडियल स्लाइड, स्पिंडल कैरियर, टूल पोस्ट। तो स्विस प्रकार स्क्रू मशीन में जो होता है वो रहता है रेडियल स्लाइड, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, रेडियल स्लाइड। यह टरेट प्रकार की स्क्रू मशीन की तुलना में अच्छी तथा अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए प्रयुक्त होती है। स्विस प्रकार की स्क्रू मशीन में रेडियल स्लाइड होता है। 190 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ गियर मैनुफैक्चरिंग रिजल्ट इन द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द इनवोल्यूट गियर टूथ प्रोफाइल। निम्न में से किस गियर उत्पादन प्रक्रम के परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी यथार्थ वाला इनवोल्यूट गियर दांत प्रोफाइल प्राप्त होता है। ऑप्शन है मिलिंग, हबिंग, रोटरी गियर सेपर, रैक टाइप सेपर, गियर सेपर। तो गियर उत्पादन प्रक्रम के परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी यथार्थ वाला इनवोल्यूट गियर दांत जो प्रोफाइल प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है हबिंग प्रोसेस द्वारा, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, हबिंग। हबिंग प्रक्रिया से बहुत अच्छी यथार्थ वाली इनवोल्यूट गियर दांत प्रोफाइल प्राप्त की जाती है। अब जान लेते हैं गियर हबिंग है क्या। तो गियर हबिंग एक तनन क्रिया है, इसके अंतर्गत घूमते हुए ब्लैंक पर वर्ग आकार के एक कटर की घुमाव गति से गियर के दांते काटे जाते हैं। इसमें प्रयुक्त कटर हाफ कहलाता है। हाफ द्वारा गियर काटने की बहुत सी गतियां होती हैं, जैसे हाफ की घुमाव गति, ब्लैंक की घुमाव गति, ब्लैंक के अक्ष के समांतर हाफ भरण, ये सब होती हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है, हबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, हबिंग कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग कैविटीज इनटू सॉफ्टर मेटल बाय फोर्सिंग ए हार्डेंड स्टील हब, एक नम धातु में एक कठोर स्टील हब से बल द्वारा छिद्र बनाना,
बी है प्रिंटिंग लेटर ऑन मेटल शीट, धातु चादर पर अक्षर छापने के लिए प्रोड्यूसिंग फ्लूट्स ऑन कंगुरेशन, फ्लूट और नालियां बनाने के लिए। तो हैविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नम धातु में एक कठोर स्टील हाफ से बल द्वारा छिद्र बनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाविंग संक्रिया के द्वारा स्पर, सर्पिल तथा वर्ग गियर आदि मिलिंग की अपेक्षा शीघ्रता तथा यथार्थता से बनाए जाते हैं। हाविंग संक्रियाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कटर प्रयोग करते हैं जिसे हाफ कहते हैं। इसकी आकृति वर्म जैसी होती है और इन संक्रियाओं के लिए साधारणतः गियर हाविंग मशीन औजारों का प्रयोग करते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गियर फिनिशिंग प्रोसेस, कौन सी गियर फिनिशिंग प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन है गियर हबिंग, गियर शेपिंग, गियर लैपिंग, गियर ग्राइंडिंग। तो गियर फिनिशिंग प्रोसेस जो नहीं है वो है गियर हबिंग, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यह गियर फिनिशिंग प्रोसेस नहीं है। गियर हबिंग गियर विनिर्माण प्रक्रियाओं में से उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। गियर हबिंग एक तनन क्रिया है जिसके अंतर्गत घूमते हुए ब्लैंक पर वर्म आकार के एक कटर की घुमाव गति से गियर के दांत निर्मित किए जाते हैं एवं प्रयुक्त कटर को हाफ कहते हैं। वन नाइन्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, स्क्रू थ्रेड आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए सॉलिड रॉड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसका प्रयोग करके ठोस रॉडों पर स्क्रू थ्रेड उत्पादित किए जाते हैं। ऑप्शन है डाइच, पंच, मैंड्रिल, बोरिंग बार। तो ठोस राडों पर स्क्रू थ्रेड उत्पादित जो किया जाता है ये किया जाता है डाई के द्वारा, इसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा डाई। ठोस राड पर डाई के प्रयोग से स्क्रू थ्रेड बनाई जाती है। डाई की सहायता से चूड़ी काटना अन्य विधियों की अपेक्षा सरल तथा कम खर्चीला वाला है और इसकी सहायता से सामान्यतः वी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। यह डाइयाँ ठोस तथा स्प्लिट प्रकार की होती हैं तथा कार्बन इस्पात तथा उच्च गति इस्पात की बनाई जाती हैं। 194 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गियर हबिंग प्रोसेस, निम्न में से कौन सा गियर हबिंग प्रोसेस का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ व्हीकल गियर, वेरी एक्यूरेट टूथ प्रोफाइल जनरेशन इंटरनल गियर। ये क्वेश्चन आपको पहले भी कराया जा चुका है, इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी जनरेशन ऑफ इंटरनल गियर। गियर हबिंग प्रक्रम के द्वारा उच्च दर पर हेलकल गियरों का उत्पादन किया जाता है और इस विधि से बहुत ही यथार्थ दांता प्रोफाइल प्राप्त किया जाता है। गियर हबिंग में प्रयुक्त कटर को हाफ कहते हैं। गियर हबिंग विधि से आंतरिक गियर नहीं बनाए जा सकते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर गियर जनरेशन प्रोसेस, कौन सा गियर जनरेशन प्रोसेस है। ऑप्शन है गियर शेपिंग, गियर हबिंग, गियर मिलिंग। तो इनमें से जो होता है हम लोगों का गियर शेपिंग और गियर हबिंग, ये दोनों हम लोगों का होता है गियर जनरेशन प्रोसेस। इसमें जो आपको दिखेगा पहला और दूसरा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओनली वन एंड टू सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 196 नंबर क्वेश्चन है, गियर कटिंग ऑन ए मिलिंग मशीन यूजिंग एन इनवोल्यूट प्रोफाइल कटर इज ए, इन्वोल्यूट प्रोफाइल कटर का प्रयोग करके मिलिंग मशीन में गियर कटाई है एक, क्या है गियर फार्मिंग प्रोसेस, गियर जनरेटिंग प्रोसेस, गियर शेपिंग प्रोसेस, हाई एक्यूरेट गियर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। तो इन्वोल्यूट प्रोफाइल कटर का प्रयोग करके मिलिंग मशीन में गियर कटाई है एक प्रकार का गियर जनरेटिंग प्रोसेस, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा गियर जनरेटिंग प्रोसेस। इन्वोल्यूट प्रोफाइल कटर का प्रयोग करके मिलिंग मशीन में गियर कटाई एक गियर जनरेटिंग प्रक्रिया है। गियर दांतों का उत्पादन रोपण मिलिंग, शेपिंग अथवा हाविंग प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। मिलिंग मशीन एक मिलिंग कटर का प्रयोग करके गियर बनाने की विधि गियर फार्मिंग है। 197 नंबर क्वेश्चन है, गियर्स इन मास प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाई, अधिक मात्रा में गियर का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन है मिलिंग, शेपिंग, हबिंग, फार्मिंग। तो हम लोगों को अगर अधिक मात्रा में गियर का उत्पादन करना रहता है अगर, तो हम लोग हबिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हबिंग। हबिंग में अधिक मात्रा में गियर का उत्पादन किया जा सकता है।
198 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर गियर फिनिशिंग। गियर फिनिशिंग के लिए कौन सा प्रक्रम उपयोग करते हैं? ऑप्शन है हाविंग, शेपिंग, मिलिंग, सेविंग और बर्सिंग। तो गियर परिष्करण के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो प्रोसेस रहता है सेविंग और बर्निशिंग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेविंग या बर्निशिंग। गियर फिनिशिंग के लिए सेविंग या बर्निशिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य प्रक्रम गियर निर्माण विधि हैं। हाविंग, शेपिंग, मिलिंग ये जो हैं ये सब गियर निर्माण विधि हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल गियर आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हबिंग, स्टैम्पिंग, एक्सट्रूजन, रोलिंग। तो ऑटोमोबाइल जो गियर होते हैं ये प्रायः बनाए जाते हैं हबिंग प्रोसेस द्वारा। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा हबिंग। 200 नंबर क्वेश्चन है, गियर हबिंग प्रोसेस मोर एक्यूरेट गियर देन मिलिंग बिकॉज इन हबिंग। मिलिंग की तुलना में गियर हबिंग ज़्यादा यथार्थ गियर उत्पादित करते हैं क्योंकि हबिंग में होता है देयर इज ए कंटिन्यूस इंडक्शन ऑपरेशन, यानी कि सतत इंडक्शन ऑपरेशन होता है। हाँ तो ये भाई होता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, देयर इज ए कंटिन्यूस इंडक्शन ऑपरेशन, सतत इंडक्शन ऑपरेशन होता है। मिलिंग की तुलना में गियर हबिंग ज़्यादा यथार्थ गियर उत्पादित करते हैं क्योंकि हबिंग में सतत इंडक्शन ऑपरेशन होता है। हबिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घूमते हुए कटर के द्वारा गियर का उत्पादन किया जाता है। यह एक सतत इंडक्शन प्रक्रिया है जिसमें कटिंग टूल तथा वर्कपीस दोनों स्थिर संबंध में घूमते हैं। हाफ कार्य एक फीड होता है, हाफ कार्य पर फीड होता है। 201 नंबर क्वेश्चन है, टीथ ऑफ इंटरनल स्पर गियर कैन बी एक्यूरेटली कट इन ए। आंतरिक स्पर गियर के दांते शुद्ध रूप से किसके द्वारा काटा जाता है? ऑप्शन है मिलिंग मशीन, गियर शेपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन, हबिंग मशीन। तो आंतरिक स्पर गियर के दांते शुद्ध रूप से जो काटे जाते हैं वो काटे जाते हैं गियर शेपिंग मशीन के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गियर शेपिंग मशीन। आंतरिक स्पर गियर के दांते शुद्ध रूप से गियर शेपिंग मशीन के द्वारा काटे जाते हैं और इस विधि में गियर शेपर कटर द्वारा गियर ब्लैंक पर दांते काटे जाते हैं। कटर तथा गियर ब्लैंक घुमाव गति करते हैं तथा इनके बीच गति अनुपात गियर के माध्यम से स्थापित किया जाता है। 202 नंबर क्वेश्चन है, हेलिक्स एंगल फॉर फास्ट हेलिक्स ड्रिल इज नॉर्मली। फास्ट हेलिक्स ड्रिल के लिए हेलिक्स एंगल कितना होता है? इसके लिए जो एंगल रखा जाता है ये रखा जाता है 35 डिग्री। 203 नंबर क्वेश्चन है, द टीथ ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पर गियर कैन बी कट ऑफ। दोनों बाह्य और आंतरिक स्पर गियर के दांते काटे जा सकते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन है मिलिंग मशीन, गियर मशीन, गियर शेपिंग मशीन, गियर हबिंग मशीन, गियर सेविंग मशीन। तो दोनों बाह्य और आंतरिक स्पर गियर के दांते काटे जा सकते हैं गियर शेपिंग मशीन के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गियर शेपिंग मशीन। बाह्य और आंतरिक स्पर गियर के दांते गियर शेपिंग मशीन के द्वारा काटे जा सकते हैं। गियर ब्लॉक पर दांते काटने के लिए गियर शेपिंग कटर का प्रयोग किया जाता है। गियर ब्लैंक तथा कर्तक दोनों ही शेपिंग प्रक्रिया के दौरान घूर्णी गति करते हैं और उनके बीच गति अनुपात गियर के माध्यम से स्थापित किया जाता है। 204 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द जनरेशन प्रिंसिपल। यानी कि निम्नलिखित गियर विनिर्माण प्रक्रियाओं में कौन उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है गियर हबिंग, गियर शेपिंग, गियर मिलिंग, गियर सेविंग। तो इनमें से जो गियर विनिर्माण प्रक्रियाओं में से उत्पादन सिद्धांत पर आधारित है वो है गियर हबिंग। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गियर हबिंग। गियर हबिंग एक तनन क्रिया है जिसके अंदर घूमते हुए ब्लैंक पर वर्म आकार के एक कटर के घुमाव गति से गियर के दांते निर्मित किए जाते हैं और इसमें प्रयुक्त कटर को हम लोग हाब कहते हैं। गियर हबिंग विनिर्माण प्रक्रियाओं के उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित होता है। 205 नंबर क्वेश्चन है, इन मिलिंग मशीन द कटिंग टूल इज हेल्ड इन पोजीशन बाय। मिलिंग मशीन में काटने का उपकरण स्थिति में किसके द्वारा समायोजित किया जाता है? ऑप्शन है चक, स्पिंडल, आर्बर, टूल होल्डर। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हो चुका है,
मिलिंग मशीन में काटने का उपकरण स्थिति में जिसके द्वारा समायोजित किया जाता है वो रहता है आर्बर। तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा आर्बर। 206 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग मशीन द टेबल कैन बी टिल्टेड इन ए वर्टिकल प्लेन बाई प्रोवाइडिंग ए स्वीवेल अरेंजमेंट एट द नी। निम्नलिखित मिलिंग मशीन में से घुटनों पर स्वाइवल व्यवस्था उपलब्ध कराने द्वारा ऊर्ध्वाधर प्लेन में पटल को झुकाया जाता है। ऑप्शन है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, हैंड मिलिंग मशीन। तो घुटनों पर स्वाइवल व्यवस्था उपलब्ध कराने द्वारा ऊर्ध्वाधर प्लेन में पटल को झुकाया जाता है ये ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। 207 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ फ्लैट वर्टिकल सरफेस ऑन बोथ साइड ऑफ ए वर्क पीस इज कॉल्ड। एक कारखंड के दोनों किनारों पर चपटी ऊर्ध्वाधर सतहों के निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है गैंग मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, फार्म मिलिंग, इंड मिलिंग। तो एक कारखंड के दोनों किनारों पर चपटी ऊर्ध्वाधर सतहों के निर्माण जो किया जाता है ये किया जाता है स्ट्रेडल मिलिंग द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्ट्रेडल मिलिंग। स्ट्रेडल मिलिंग क्या है कि इस प्रोसेस द्वारा एक साथ दो चपटी ऊर्ध्वाधर सतहों का निर्माण किया जाता है, इन्हें स्ट्रेडल मिलिंग कहते हैं। और गैंग मिलिंग क्या है कि इस प्रोसेस द्वारा एक साथ कई सतहों का निर्माण किया जाता है। और फार्म मिलिंग क्या है कि इस प्रोसेस द्वारा उपयुक्त छेदक का प्रयोग करके यानी कि कटर का प्रयोग करके अनियमित रूप रेखा का निर्माण किया जाता है। दो सौ आठ नंबर क्वेश्चन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन टेपर्ड सरफेस कन्वेंशियली बाय। टेपरी सतह पर आंतरिक तथा बाह्य थ्रेड सुविधापूर्वक बनाए जा सकते हैं। तो टेपरी सतह पर आंतरिक तथा बाह्य थ्रेड सुविधापूर्वक जो बनाए जा सकते हैं वो बनाए जा सकते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन द्वारा। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा यूनिवर्सल मिलिंग मशीन द्वारा। टेपरी सतह पर आंतरिक तथा बाह्य थ्रेड यूनिवर्सल मिलिंग मशीन द्वारा सुविधापूर्वक बनाए जा सकते हैं, लेथ मशीन द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन है, हबिंग प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर कटिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर। इनमें से किस प्रकार के गियर को काटने के लिए हबिंग प्रोसेस यूज नहीं किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन है स्पर, हेलिकल, वर्म, बेवल। तो जिसके लिए हबिंग प्रोसेस सुटेबल नहीं होता है वो रहता है बेवल। बेवल प्रकार के गियर के निर्माण के लिए हबिंग प्रोसेस यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बेवल। बेवल गियर को काटने के लिए हबिंग प्रक्रम उपयुक्त नहीं होता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, ए मिलिंग कटर हैविंग 8 टीथ इज रोटेटिंग एट 150 आरपीएम। इफ द फीड पर टूथ इज 0.1 द टेबल स्पीड इन mm पर मिनट इज। एक मिलिंग कटर जो 8 दांते रखता है वह 150 आरपीएम पर घूम रहा है या भरण प्रति दांता 0.1 हो तो मेज की गति धीमी mm प्रति मिनट में है। ऑप्शन 120, 187, 125 और 70। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे हो जाएगा V इक्वल टू NFT जो होता है NFT, इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें जो दिया है एक मिलिंग कट जो 8 दांते रखता है, इसमें जो दांते टी का मान दिया है ये हम लोग रखेंगे 8। और क्या दिया है, यह 150 आरपीएम पर घूम रहा है यानी कि यन का मान दिया है 150। और यह कह रहा है कि भरण प्रति दांता यानी कि यह का मान दिया है 0.1। तो अब इन तीनों का हम लोग गुणा कर लेंगे तो हम लोगों का 120 सही आंसर आ जाएगा यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 120 mm पर मिनट आएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, गियर हैविंग प्रोसेस इज फास्टर देन मिलिंग बिकॉज। गियर हैविंग प्रोसेस
मेलिंग से तेज होता है क्योंकि ऑप्शन है इंडेक्सिंग टाइम इज लेस, हब रोटेट्स फास्टर, वर्क रोटेट्स फास्टर, सर्वल टिथ कट एट ए टाइम। तो गियर हबिंग प्रोसेस इज फास्टर देन मिलिंग बिकॉज सेवरल टीथ कट एट टाइम, यानी कि गियर हबिंग प्रोसेस मिलिंग से तेज होता है क्योंकि यह एक साथ कई दांतें काटे जाते हैं इस पर, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो सौ बारह नंबर क्वेश्चन है, गियर कैन बी बेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मास प्रोडक्शन बाय, बृहद उत्पादन पर गियर सर्वश्रेष्ठ रूप से उत्पादित किए जा सकते हैं, ऑप्शन है शिपिंग द्वारा, फार्मिंग द्वारा, कास्टिंग द्वारा, हबिंग द्वारा। तो बृहद उत्पादन अगर हम लोगों को करना है यानी कि मास प्रोडक्शन करना है तो हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं वो करते हैं हबिंग प्रोसेस। दो सौ तेरह नंबर क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज यूज्ड टू परफॉर्म ए मिलिंग ऑपरेशन बाय, मिलिंग कार्य करने के लिए सार्वत्रिक विभाजक शीर्ष का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन है प्लेन इंडेक्सिंग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, कंपाउंड इंडेक्सिंग। तो मिलिंग कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विभाजक शीर्ष का जो प्रयोग किया जा सकता है ये किया जा सकता है कंपाउंड इंडेक्सिंग द्वारा, यानी कि मिश्र अनुभाजन द्वारा, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंग मशीन मस्ट सुटेबल फॉर टूल रूम ऑपरेशन इज, टूल रूम प्रचालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मशीन है, ऑप्शन है प्लेन मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। तो टूल रूम प्रचालनों के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिलिंग मशीन रहता है वो रहता है ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। टूल रूम प्रचालनों के लिए सबसे उपयुक्त मशीन ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन होता है क्योंकि यह मशीन अन्य मशीनों की तुलना में मेज को अतिरिक्त घूर्णन गतियों में घुमाने का प्रबंध होता है, जिसकी सहायता से मेज को ऊर्ध्व समतल में किसी कोण पर घुमाकर स्थिर किया जा सकता है। मेज के ऊर्ध्व समतल में घूर्णन प्रबंध द्वारा इस मशीन पर बेवल गियर व रिमरों में टेपरित हेलिकल खांचे काटे जा सकते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन है, नी इज ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, नी किसका भाग होता है, ऑप्शन है सेपर, लेथ, मिलिंग मशीन, स्लॉटर। तो जो नी होता है यह भाग होता है मिलिंग मशीन का, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा मिलिंग मशीन। नी मिलिंग मशीन का भाग होता है, यह एक कास्टिंग है जो काठी और मेज का सपोर्ट करता है, सभी गियर सिस्टम नी के भीतर संलग्न होते हैं तथा उन्हें भरण देता है। 216 नंबर क्वेश्चन है, ए फ्लाई कटर इज यूज्ड ऑन, एक फ्लाई कटर का प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन है लेथ पर, कैपेसिटर लेथ पर, मेटल स्पिनिंग लेथ पर, मिलिंग मशीन पर। तो जो फ्लाई कटर होता है ये यूज किया जाता है मिलिंग मशीन पर, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा मिलिंग मशीन। फ्लाई कटर है क्या, तो फ्लाई कटर जो होता है कि इस कटर में एक कोबाल्ट औजार बिट को आर्बर में लगाकर धातु की कटाई की जाती है, आर्बर का टेपर सेंक मशीन के स्पिंडल में लगाया जाता है, यह कटर अधिक ऊर्ध्व मिलिंग मशीन में प्रयोग किया जाता है। 217 नंबर क्वेश्चन है, इन गैंग मिलिंग है, जो गैंग मिलिंग होता है ये होता है आर्बर पर दो या अधिक कटर्स लगाए जाते हैं और वे सभी एक साथ धातुएं हटा देते हैं, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा गैंग मिलिंग का, कि टू आर मोर कटर आर माउंटेड ऑन द आर्बर एंड ऑल ऑफ देम रिमूव द मेटल सिमल्टेनियसली। 218 नंबर क्वेश्चन है, ए मिलिंग मशीन विच हैज ए टेबल दैट कैन बी स्विवल्ड एंड सेट एट एनी एंगल टू द वर्क पीस इज कॉल्ड, एक मिलिंग मशीन जिसमें एक टेबल है जिसे कारखंड के किसी भी कोण पर घुमाया या सेट किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन है बेड मिलिंग मशीन, ड्रम मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, स्रेडल मिलिंग मशीन।
तो एक मिलिंग मशीन जिसमें एक टेबल है जिसे कारखंड के किसी भी कोण पर घुमाया या सेट किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में टेबल को घूर्णन आधार यानी स्विवल बेस पर लगाया जाता है, जिससे वर्कपीस को किसी भी एंगल पर घुमाया या सेट किया जा सकता है। एक सौ उन्नीस नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 219 नंबर का। इन विच मिलिंग ऑपरेशन इज द सरफेस फिनिश बेटर, किस मिलिंग प्रक्रिया में तल परिष्कृत बेहतर होती है। ऑप्शन है क्लाइंब अप, कॉन्वेंशनल फेस। तो जो हम लोगों को होता है क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन, उसमें जो सरफेस फिनिश अच्छा प्राप्त होता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्लाइंब। क्लाइंब मिलिंग प्रोसेस में जो सरफेस फिनिश बेहतर प्राप्त होती है, इस विधि में वर्कपीस का भरण कटर की घुमाव दिशा में होता है। इसमें वर्कपीस पर दबाव अधिक होता है तथा आरंभ में चिप की मोटाई अधिक होती है। अब 220 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिलिंग विच प्रोड्यूस इरेगुलर प्रोफाइल यूजिंग सुटेबल कटर। पेषण का कौन सा भाग जो उपयुक्त छेदक का उपयोग करके अनियमित रूपरेखा का विनिर्माण करता है, क्या है। स्लैब मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, कट मिलिंग, फॉर्म मिलिंग। तो मिलिंग का कौन सा प्रकार जो उपयुक्त छेदक का उपयोग करके अनियमित रूपरेखा का निर्माण करता है, वो रहता है फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग छेदक का उपयोग करके मिलिंग मशीन अनियमित रूपरेखा का निर्माण करता है। मिलिंग मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की आंतरिक व बाह्य सतहों पर मशीनिंग संक्रियाएं करने, सीधे तथा घुमावदार खांचे काटने, आंतरिक तथा बाहरी चूड़ियां काटने तथा गियर आदि बनाने के लिए किया जाता है। और मिलिंग मशीन में आर्बर को अधिक दृढ़ता के साथ पकड़ने के लिए ड्रा बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। 221 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन इन विच फ्लैट सर्फेसेज आर प्रोड्यूस्ड बाई द मिलिंग कटर्स विच आर माउंटेड विथ द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मिलिंग सर्फेस इज प्रिफर्ड टू एज। कार्य में कौन सी समतल तथा समतल साथ पेषण कटर द्वारा बनती है, जो पेषण की सतह पर लंबवत कठोर के साथ आरूढ़ है का संबंध है। ऑप्शन है स्लैब मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, फेस मिलिंग, फॉर्म मिलिंग। तो कार्य में जो फेस मिलिंग की समतल तथा साधन के साथ पेषण कटर द्वारा बनती है, जो पेषण की सतह पर लंबवत कठोर के साथ आरूढ़ का संबंध है, ये रहता है फेस मिलिंग। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तल पेषण। आपको बता देते हैं कि जो फेस मिलिंग होता है, फेस मिलिंग मतलब इस संक्रिया द्वारा उस स्थिति में चपटी सतहें बनाई जाती हैं जबकि कटर की घुमाव अक्ष निर्मित सतह के लंब रूप होती हैं। इसके लिए फेस मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है। साधारण मिलिंग मशीन पर कटर को स्टब आर्बर पर लगाकर यह संक्रिया की जाती है, जिसके अंतर्गत कटाई की गहराई टेबल के क्रॉस भरण स्क्रू द्वारा समंजित की जाती है। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वर्कपीस इज फेड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द कटर टूथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट टाइप ऑफ मिलिंग इज नोन एज। जब कार्य भाग उसी दिशा में संचित होता है जिसमें कटर दंत संपर्क बिंदु पर हो, इस प्रकार के पेषण को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डाउन मिलिंग, अप मिलिंग, स्लॉट मिलिंग, स्लैब मिलिंग। तो जब कार्य भाग उसी दिशा में संचित होता है जिसमें कटर दंत संपर्क बिंदु पर हो, इस प्रकार के पेषण को हम लोग जानते हैं डाउन मिलिंग द्वारा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डाउन मिलिंग। डाउन मिलिंग में वर्कपीस फीड की दिशा तथा कटर की घुमाव दिशा एक ही होते हैं तथा डाउन मिलिंग को क्लाइंब मिलिंग भी कहते हैं, जबकि अप मिलिंग में कार्य खंड का भरण कटर की घुमाव दिशा के विरुद्ध होता है और इसे हम लोग कॉन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं। 223 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन। क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन का कौन सा एक अभिलक्षण है। ऑप्शन है द वर्कपीस इज फेड इन द अपोजिट डायरेक्शन,
यानी कि वर्कपीस को विपरीत दिशा में फिट करना, और बी है फोर्स आर लेस हाई रिजिडिटी ऑफ द मशीन टूल इज रिक्वायर्ड चिप थिकनेस इज मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द कट। तो क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन की एक जो विशेषता हो वो है कि इसमें जो फोर्स लगता है ये कम होना, इसका है बी ऑप्शन सही, फोर्स आर लेस बल कम होना। क्लाइंब मिलिंग ऑपरेशन में वर्कपीस की फीड दिशा तथा कटर की घुमाव दिशा एक ही होने के कारण बल कम लगता है, इसे हम लोग डाउन मिलिंग भी कहते हैं। इस मिलिंग प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ में अधिक मोटाई का चिप कटता है। 224 नंबर क्वेश्चन है, द आर्वर ऑफ द मिलिंग मशीन इज यूज टू होल्ड। मिलिंग मशीन का आर्वर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कटिंग टूल, स्पिंडल, ओवर आर्म, मैंड्रिल। तो मिलिंग मशीन का आर्वर जिसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो रहता है कटिंग टूल। कटिंग टूल को हम लोग पकड़ने के लिए आर्वर का प्रयोग करते हैं मिलिंग मशीन पर। 225 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिंग ऑपरेशन कटर इज रोटेटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वर्क पीस। निम्न में से किस मिलिंग संचालन में कटर को उसी दिशा में घुमाया जाता है जिसमें कार्यरत टुकड़ा चल रहा होता है? ऑप्शन है अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, फेस मिलिंग, एंड मिलिंग। तो हम लोगों का जो होता है डाउन मिलिंग, डाउन मिलिंग में कटर को उसी दिशा में घुमाया जाता है जिससे कार्यरत टुकड़ा चल रहा होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डाउन मिलिंग। 226 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, चित्र क्या प्रदर्शित करता है? आपको है बताना है। तो ये जो चित्र है ये फिगर है अप मिलिंग का, अप मिलिंग का फिगर है। अप मिलिंग में कटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है जब वर्कपीस की कटिंग बाएं से दाएं की जा रही हो, और इस प्रकार के मिलिंग में कटर का रोटेशन कारखंड की फीड की दिशा के विरुद्ध होता है। 227 नंबर क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ मशीनिंग सेवरल सरफेस ऑफ द वर्क पीस सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड। एक कारखंड के कई सारे सतह पर एक साथ मशीनिंग क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है सा मिलिंग, गैंग मिलिंग, हेलिकल मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग। एक कारखंड के कई सारे सतह पर एक साथ मशीनिंग क्रिया कहलाता है गैंग मिलिंग, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गैंग मिलिंग। दोस्तों अगर ये हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का समय निकालें और वीडियो को शेयर कर दें। 228 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन डज नॉट रिक्वायर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। निम्न में से कौन सा मशीन क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है? तो इनमें से जो हम लोगों का होता है ब्रोचिंग मशीन, ये हम लोगों का क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग नहीं करता है, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रोचिंग मशीन। ब्रोचिंग मशीन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं होता है, जबकि स्लॉटर प्लेनर तथा सेपर मशीनों में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है तथा इन मशीनों पर मुख्य गति के लिए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्रोचिंग में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का उपयोग ज़रूरी नहीं होता है। 229 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल आर, बाहरी ब्रोचिंग उपकरण कौन है? ऑप्शन है पुश टाइप, प्रेस टाइप, बोथ पुल एंड पुश टाइप, पुल टाइप। तो एक्सटर्नल ब्रोचिंग टूल जो हैं वो रहते हैं पुश टाइप के, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा पुश टाइप। 230 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रोचिंग वेयर द वर्क एंड द ब्रोचिंग टूल मूव अक्रॉस ईच अदर। ब्रोचिंग का नाम क्या है जहाँ कार्य और ब्रोचिंग औजार एक दूसरे को काटते हैं? ऑप्शन है सरफेस ब्रोचिंग, पुल ब्रोचिंग, कंटिन्यूस ब्रोचिंग, पुश
ब्रोचिंग। तो हम लोग जो सरफेस ब्रोचिंग होता है वहाँ वहाँ पे कार्य और ब्रोचिंग औजार एक दूसरे को काटते हैं, ये होता है सरफेस ब्रोचिंग में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सरफेस ब्रोचिंग। दो सौ इकतीस नंबर क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ ब्रोचिंग प्रोसेस इज, ब्रोचिंग प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है टू डू द थिन जॉब यानी पतली कार्यखंड करने के लिए, रिमूव ऑफ मटेरियल इन वन स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक में पदार्थ को हटाने के लिए, टू यूज द सिंगल पॉइंट टूल यानी कि एकल बिंदु औजार का प्रयोग करने के लिए, डी है रिमूवल ऑफ मटेरियल इन अप एंड डाउन स्ट्रोक यानी कि ऊपर तथा नीचे स्ट्रोक में पदार्थ को हटाने के लिए। तो ब्रोचिंग प्रक्रिया का जो मुख्य लाभ होता है ये होता है कि एक स्ट्रोक में पदार्थ को हटाने के लिए यानी कि रिमूवल ऑफ मटेरियल इन वन स्ट्रोक। ब्रोचिंग प्रोसेस का मुख्य लाभ यह होता है कि इस प्रक्रिया द्वारा एक ही स्ट्रोक में धातु का रिमूवल हो जाता है। ब्रोच एक मल्टी पॉइंट टूल है जिस पर अनेक दांते कटाई दांते बने रहते हैं। जब इसे वर्कपीस की सतह के विरुद्ध ढकेल कर या खींच कर सापेक्ष गति दी जाती है तो दांते कटाई क्रिया करते हैं, और इस संक्रिया द्वारा उपयोग बड़े पैमाने पर आंतरिक तथा बाह्य और चपटी तथा वक्राकार सतह बनाने में होता है। 232 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोचिंग यूज ए मल्टीपल पॉइंट कटर टूल हैविंग ए सीरीज ऑफ, ब्रोचिंग एक बहुबिंदु कर्तन उपकरण का उपयोग करता है जिसमें कौन सी श्रृंखला होती है? ऑप्शन है स्लॉट्स, सिमिलर टू रीमर, और है प्रोग्रेसिव टीथ और है टीथ। तो ब्रोचिंग एक बहुबिंदु कर्तन उपकरण का उपयोग करता है जिसमें होता है प्रोग्रेसिव कटिंग टीथ। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोग्रेसिव कटिंग टीथ। 233 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू प्रोड्यूस डायमेंशनली एक्यूरेट इंटरनल गियर ऑफ फाइन सरफेस फिनिश, बारीक सतह फिनिश के साथ फीमी यथार्थता वाले आंतरिक गियर के उत्पादन में निम्न में से कौन सी विधि विशेष रूप से उपयोगी है? ऑप्शन है हॉबिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, हॉर्निंग। तो बारीक सतह परिष्करण यानी कि फिनिश के साथ विमीय यथार्थता वाले आंतरिक गियर के उत्पादन में जो विशेष विधि रहती है वो रहती है ब्रोचिंग। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोचिंग। बारीक सतह परिष्करण के साथ विमीय यथार्थता वाले आंतरिक गियर के उत्पादन में ब्रोचिंग क्रिया की जाती है। ब्रोच औजार के अंतिम दांतों को परिष्कृत दांता कहते हैं। 234 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मली हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रोच आर अवेलेबल यानी आमतौर पर कितने प्रकार के ब्रोच हैं? आमतौर पर जितने होते हैं चार प्रकार के ब्रोच होते हैं। ब्रोच का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है, जैसे ब्रोच की क्रिया के आधार पर, ब्रोच की क्रिया के प्रकार के आधार पर, ब्रोच की संरचना के आधार पर, और ब्रोचिंग संक्रिया की प्रकृति के आधार पर। इन चार प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ये इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, चार। 235 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट एक्यूरेट बोरिंग मशीन इज, अत्यधिक यथार्थ बोरिंग मशीन कौन सा है? ऑप्शन है प्रिसीजन बोरिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन, डीप होल बोरिंग मशीन, वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो जो मोस्टली एक्यूरेट बोरिंग मशीन होता है वो रहता है जिग बोरिंग मशीन। बोरिंग मशीनों को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा जाता है, क्षैतिज बोरिंग मशीन, उदग्र बोरिंग मशीन, जिग बोरिंग मशीन है। जिग बोरिंग मशीन की यथार्थता सबसे अधिक होती है, अर्थात इससे अधिक यथार्थता वाले छिद्रों का मशीनन किया जा सकता है, और इसकी यथार्थता होती है 0.001 mm तक। दो सौ छत्तीस नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ द मशीन टूल, कौन सा मशीन टूल के वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है जनरल पर्पज मशीन, स्पेशल पर्पज मशीन, लिमिटेड पर्पज मशीन, मल्टी पर्पज मशीन। इनमें से जो हम लोगों का होता है मल्टी पर्पज मशीन, ये मशीन टूल के कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सेपर, प्लेनर, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ग्राइंडिंग तथा
प्रेसिंग मशीन टूल हैं जिनमें क्रमशः सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य तथा सीमित उद्देश्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जबकि बहुउद्देशीय मशीन में सभी मशीन की क्रिया को एक ही मशीन पर करने की क्षमता होती है, जिससे मशीन टूल के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ये 237 नंबर क्वेश्चन है, ये 337 नहीं, ये 237 रहेगा। 237 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉर गेटिंग स्मूथ सरफेस इज एज फॉलो, फर्स्ट ग्राइंडिंग, सेकंड हॉर्निंग, बी बर्निशिंग, और ये चौथा है बफिंग। पहला है ग्राइंडिंग, दूसरा है हॉर्निंग, तीसरा है बर्निशिंग, चौथा है बफिंग। तो चिकनी सतह पाने के लिए जो सही क्रम होता है, पहले किया जाता है ग्राइंडिंग, पहले ग्राइंडिंग किया जाता है, इसके बाद जो किया जाता है वो रहता है हनिंग, इसके बाद किया जाता है बर्निशिंग, और लास्ट में किया जाता है बफिंग। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। 238 नंबर क्वेश्चन है, टू हैव ए गुड सरफेस फिनिश बर्निशिंग टूल इज यूज, एक अच्छी सतह बनाने के लिए बर्निशिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है ड्यूरिंग ब्रोच, आफ्टर ब्रोच, बिफोर ब्रोच, आफ्टर चिप ब्रेकिंग मेथड। तो एक अच्छी सतह बनाने के लिए बर्निशिंग उपकरण का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ब्रोच के बाद, यानी कि आफ्टर ब्रोच किया जाता है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आफ्टर ब्रोच। ब्रोचिंग क्रिया के बाद छोटे छोटे बर्क को हटाने के लिए बर्निशिंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बहुत सूक्ष्म परिष्करण बर्निशिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है। चिकनी सतह पाने के लिए सही क्रम ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, बर्निशिंग और बफिंग होता है, बफिंग से परिष्कृत सतह लगभग 0.005 mm तक प्राप्त की जा सकती है। 239 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर रिजल्ट्स इन द बेस्ट एक्यूरेसी ऑफ द होल मेड, इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी सटीक छिद्र बनाए जाते हैं, ऑप्शन है ड्रिलिंग, रीमिंग, ब्रोचिंग, बोरिंग। तो सबसे सटीक छिद्र बनाना अगर आपको रहता है तो हम लोग उसके लिए प्रयोग करते हैं रीमिंग का। रीमिंग प्रक्रिया द्वारा सबसे सटीक छिद्र बनाए जाते हैं। ब्रोच क्रिया शेपिंग क्रिया के समान होती है, परंतु इसमें केवल एकल बिंदु औजार के स्थान पर बहु बिंदु औजार का प्रयोग किया जाता है। 240 नंबर क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग मशीन प्रोसेस विच कैन बी यूज फॉर मशीनिंग फ्लैट सर्फेसेज, निम्न में से कौन सी मशीन प्रक्रम सपाट सतहों की मशीनिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है, ऑप्शन है शेपिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग। इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है मशीनिंग प्रक्रम सपाट सतहों की मशीनिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये शेपिंग भी किया जाता है, मिलिंग भी किया जाता है, ब्रोचिंग भी किया जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3। 241 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज पर्टिकुलरली यूजफुल टू प्रोड्यूस डायमेंशनली एक्यूरेट इंटरनल गियर ऑफ फाइन सरफेस फिनिश, बारीक सतह फिनिश के साथ विमी यथार्थता वाले आंतरिक गियर के उत्पादन में कौन सी विधि विशेष रूप से उपयोगी होती है, ऑप्शन है हबिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, हॉर्निंग। तो बारीक सतह परिष्कृत के साथ विमी यथार्थता वाले आंतरिक गियर के उत्पादन में जो विशेष विधि उपयोग की जाती है वो रहती है ब्रोचिंग, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोचिंग। 242 नंबर क्वेश्चन है, स्प्लाइन होल आर मशीन डबाई, स्प्लाइन छिद्र यांत्रित किए जाते हैं, ऑप्शन है मिलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, ब्रोचिंग। तो स्प्लाइन छिद्र जो यांत्रित किए जाते हैं, यानी कि मशीन जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं ब्रोचिंग द्वारा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोचिंग। ब्रोचिंग द्वारा स्प्लाइन छिद्र किए जाते हैं। ब्रोचिंग एक मशीन प्रक्रिया जो सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कई दांते बने होते हैं। ब्रोचिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब परिशुद्ध मशीनिंग की आवश्यकता होती है, खासकर जटिल आकृतियों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है।
234 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फिनिशिंग टीथ ऑफ ए ब्रोच। ब्रोच की परिष्कृत दांतों द्वारा निम्न से कौन सा कार्य होता है? ऑप्शन है रिमूवल मैक्सिमम मेटल, रिमूव मिनिमम मेटल, परफॉर्म बर्निशिंग ऑपरेशन, परफॉर्म शेपिंग ऑपरेशन। तो ब्रोच के परिष्कृत दांतों द्वारा जो कार्य होता है ये होता है कि परफॉर्म बर्निशिंग ऑपरेशन, यानी चमकाने वाली प्रक्रिया होती है। ब्रोच के परिष्कृत दांतों द्वारा सतह को चमकाने वाली प्रक्रिया होती है। यह कार्य ब्रोच के अंतिम दांतों द्वारा किया जाता है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो 2-4-10 सेकंड का समय निकालें और वीडियो को शेयर कर दें। 244 नंबर क्वेश्चन है, द जनरल रेशियो ऑफ सोलूबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज कूलेंट इज। घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो शीतलक के रूप में उपयोग जो कि रेशियो किया जाता है ये रहता है 1:20 के अनुपात में। तेल और पानी का रेशियो जो होता है ये 1:20 के अनुपात में रहता है। शीतलक में घुलनशील तेल और जल को 1:20 के अनुपात में मिलाया जाता है। उच्च गति पर कटिंग करते समय उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए शीतलकों का प्रयोग किया जाता है। पानी एक अच्छा शीतलक है, इसकी शीतलन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और ऊष्मा उपचार प्रक्रमों एवं रोलिंग में भी इसे मुख्य रूप से शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 245 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट ऑल अराउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल इज। कार्बाइड उपकरणों के लिए सर्वोत्तम शीतलक कूलेंट कौन सा है? ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल इन प्लांट, केरोसिन, टर्पेंटीन ऑयल, टर्पीन ऑयल, कंप्रेस्ड एयर। तो कार्बाइड उपकरणों के लिए जो सर्वोत्तम शीतलक रहता है वो रहता है सोल्यूबल ऑयल इन प्लांट, यानी प्लांट में घुलनशील तेल। 246 नंबर क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूड इज। तरल पदार्थ काटने का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन है टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट, यानी स्नेहन प्रदान करने के लिए। बी है टू कूल द टूल एंड द वर्क पीस, यानी कि टूल और वर्क पीस शांत करने के लिए। टू प्रोवाइड लुब्रिकेंट एंड वॉश अवे द चिप्स, स्नेहन प्रदान करने और चिप्स को दूर करने के लिए। डी है ऑल ऑफ दीज। तो तरल पदार्थ काटने का मुख्य कार्य होता है टूल और वर्क पीस शांत करने के लिए, यानी टू कूल द टूल एंड वर्क पीस। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिकल कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग एल्युमिनियम और एल्युमिनियम की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शीतलक है। ऑप्शन है केरोसिन ऑयल, सोडा वाटर, एयर, पैराफिन ऑयल। तो एल्युमिनियम की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त विशिष्ट जो शीतलक होता है वो रहता है केरोसिन ऑयल और सोडा वाटर, यानी कि पहला और दूसरा रहता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरोसिन ऑयल और सोडा वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ढलवा लोहा के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग ढलवा लोहा अगर है तो उसके लिए हम लोग जो कटाई तरल यूज करते हैं, यानी कि कूलेंट जो यूज करते हैं, वो रहता है सूखा तथा संपीड़ित वायु या शुष्क मशीनन। और हम लोग ब्रास, ब्रोंज और मोनल धातु के लिए हम लोग यूज करते हैं शुष्क मशीनन, यानी घुलनशील तेल। और एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल, जीवाश्म तेल, घुलनशील तेल, सोडा वाटर, ये सब यूज करते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूड इज। कटाई तरल का सबसे महत्वपूर्ण फलन कौन सा है? ऑप्शन है प्रोवाइड लुब्रिकेंट, कूल द टूल एंड वर्क पीस, वॉश अवे द चिप, इम्प्रूव सरफेस फिनिश। तो कटाई तरल का सबसे महत्वपूर्ण फलन जो होता है वो रहता है कूल द टूल एंड वर्क पीस, औजार और कारखंड को ठंडा करना इसका मेन कार्य होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कूल द टूल एंड वर्क पीस, औजार और कारखंड को ठंडा करना। इसके अतिरिक्त कार्य रहते हैं कि चिप को अपने साथ बहा ले जाना, कटाई बल कम लगता है और स्नेहन प्रदान करता है। 249 नंबर क्वेश्चन है, द फंक्शन विच इज नॉट परफॉर्म्ड बाय कटिंग फ्लूड इज।
वह कार्य जो कर्तन तरल द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है क्या है? ऑप्शन है गुड सरफेस फिनिश, रिड्यूस हीट, रिड्यूस फ्रिक्शन, इंक्रीज टूल लाइफ। तो वह कार्य जो कर्तन तरल द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है वो रहता है गुड सरफेस फिनिश। इसका ये ऑप्शन सही है, गुड सरफेस फिनिश। वह कार्य जो कर्तन तरल द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता, अच्छी सतह परिष्करण है। वह कर्तन तरल द्वारा सतह की अच्छी सतह परिष्करण नहीं की जा सकती है। इसके प्रयोग से सतह को साफ रखा जा सकता है या सतह परिष्करण में सहायता करता है। कर्तन तरल द्वारा घर्षण को कम करना, ऊष्मा कम करना तथा उपकरण के जीवन काल में वृद्धि करना, कटाई तरल ठंडा करने के साथ साथ प्रभावी रूप से संघनन का कार्य भी करता है। घर्षण कम हो जाने से औजार के साथ छिलका वेल्ड होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। 250 नंबर क्वेश्चन है, द कटिंग फ्लूड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग एलॉय स्टील इज। मुख्य रूप से मिश्र धातु इस्पात की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कर्तन द्रव्य है। ऑप्शन है वाटर, ड्राई एयर, सोल्यूबल एयर, सल्फराइट, मिनरल एयर। तो मुख्य रूप से मिश्र धातु इस्पात की मशीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो कर्तन द्रव्य होता है वो रहता है सल्फराइड मिनरल ऑयल। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फराइड मिनरल ऑयल। मिश्र धातु इस्पात की मशीनिंग के लिए सामान्यतः सल्फराइड खनिज तेल नामक कर्तन द्रव्य का उपयोग किया जाता है। घुलनशील ऑयल क्या होता है कि इसका प्रयोग सामान्यतः स्टेनलेस स्टील के मशीनिंग के समय कर्तन द्रव्य के रूप में किया जाता है। दोस्तों 251 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन एलॉय स्टील इज। मिश्र धातु स्टील पर मोड़ और मिलिंग के लिए आमतौर पर काम आने योग्य काटने वाले द्रव हैं। ऑप्शन है वाटर, केरोसिन, सोल्यूबल ऑयल, सल्फ्राइड मिनरल ऑयल। तो आपको बता देते हैं कि मिश्र धातु स्टील पर मोड़ और मिलिंग के लिए आमतौर पर काम आने योग्य काटने वाला द्रव रहता है सल्फ्राइड मिनरल ऑयल। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, सल्फ्राइड मिनरल ऑयल। मिश्र धातु स्टील पर मोड़ और मिलिंग के लिए आमतौर पर सल्फ्राइड किया जाता है, खनिज तेल कटिंग द्रव के रूप में प्रयोग करते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन है, ए गुड कटिंग फ्लूड शुड हैव। एक अच्छे कर्तक द्रव में क्या होना चाहिए? ऑप्शन है लो थर्मल कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई विस्कोसिटी, हाई डेंसिटी। तो गुड कटिंग फ्लूड के लिए जो सबसे रहता है वो रहता है कि हाई स्पेसिफिक हीट होना ज़रूरी है, यानी कि उच्च विशिष्ट ऊष्मा का होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कर्तक द्रव होने के लिए। एक अच्छे कर्तक द्रव के निम्न गुण होने चाहिए, जैसे हाई ऊष्मीय चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, श्यानता कम होनी चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए, नॉन क्रोजिव होना चाहिए। 253 नंबर क्वेश्चन है, नो कटिंग फ्लूड इज नॉर्मली यूज्ड व्हाइल मशीनिंग। किसकी मशीनिंग के लिए हम लोग नॉर्मली कटिंग फ्लूड का उपयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन है एल्युमिनियम, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील। तो हम लोग जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समान सामान्यतः कटिंग फ्लूड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का मशीन करते समय सामान्यतः किसी भी कटिंग फ्लूड का उपयोग नहीं किया जाता है, कभी कभी संपीड़क एयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एल्युमिनियम के लिए जो किया जाता है यूज रहता है केरोसिन ऑयल इन्वर्टर, और कार्बन स्टील के लिए किया जाता है फैटी सोल्यूबल ऑयल। 254 नंबर क्वेश्चन है, नो कटिंग फ्लूड इज यूज व्हाइल मशीनिंग विच मेटल। किस धातु की मशीनिंग के लिए कटिंग फ्लूड की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, एल्युमिनियम, कास्ट आयरन। तो अभी क्वेश्चन पिछला ही था, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कास्ट आयरन। ढलवा लोहे में मशीनिंग के लिए कटिंग फ्लूड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो संघनन
में सहायक होता है। 255 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लुब्रिकेशन प्रोसेस। निम्न में से कौन सा एक प्रकार की संयोग प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन है ग्रेविटी फिट, फोर्स फिट, स्प्लैश मेथड, वेपर एब्जॉर्प्शन। तो स्नेहक प्रक्रिया नहीं है, ये है वेपराइजेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन यानी कि वाष्प अवशोषण, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि वेपर एब्जॉर्प्शन स्नेहन प्रक्रिया नहीं है, जबकि ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड और स्प्लैश मेथड ये सब लुब्रिकेशन प्रोसेस हैं। 256 नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूड इज टू। कटिंग द्रव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रोवाइड लुब्रिकेंट, कूल द टूल एंड वर्क पीस, वॉश अवे द चिप, इम्प्रूव सरफेस फिनिश। तो कटिंग फ्लूड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो रहता है कि टूल और वर्क पीस को कूल करना, जिसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कूल द टूल एंड वर्क पीस, उपकरण तथा कारखंड को शीतलन रखना। और कटाई तरल के जो गुण होते हैं, जैसे कि उसकी विशिष्ट उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च ऊष्मीय चालकता, निम्न श्यानता, असंक्षारित होना चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए, कम कीमत तथा दुर्गंध रहित होना चाहिए। 257 नंबर क्वेश्चन है, ड्राई एंड कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर यूज्ड एज कटिंग फ्लूड फॉर मशीनिंग। किसकी मशीनिंग के लिए शुष्क और संपीड़ी दवाई का प्रयोग कटाई तरल के रूप में किया जाता है? तभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि कास्ट आयरन के लिए हम लोग ड्राई एयर भी यूज कर सकते हैं, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा कास्ट आयरन। ढलवा लोहे की मशीनिंग करते समय कटाई तरल के रूप में संपीड़ित वायु का प्रयोग किया जाता है अथवा शुष्क मशीनिंग की जाती है। ढलवा लोहे की मशीनिंग करने पर प्राप्त चिप असतत तथा असमान आकार के छोटे छोटे होते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, पीतल आदि की मशीनिंग में द्रव के रूप में कटाई तरल प्रयुक्त होता है। 258 नंबर क्वेश्चन है, द कॉमनली एम्प्लॉयड कटिंग फ्लूड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑपरेशन ऑन एलॉय स्टील इज। मिश्र धातु इस्पातों पर मोड़ और मिलिंग के लिए आमतौर पर काम आने योग्य कटाई तरल है। ऑप्शन है वाटर, केरोसिन, सोलुबल ऑयल, सल्फ्राइड मिनरल ऑयल, जिसके लिए सही ऑप्शन होगा सल्फ्राइड मिनरल ऑयल। मिश्र धातु इस्पातों पर मोड़ और मिलिंग के लिए आमतौर पर काम आने योग्य कटाई तरल जो रहता है वो रहता है सल्फ्राइड मिनरल ऑयल। 269 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव अबाउट कटिंग फ्लूड। कटाई द्रवों के बारे में सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है इट रिड्यूस हीट जनरेशन, इट वैस अवे द चिप फ्रॉम मेटल, इट रिड्यूस एनर्जी एब्जॉर्प्शन, इट रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो कटाई द्रवों के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प जो चयन हो कि यह ऊष्मा के जनन को कम करता है, धातु से चिपों को धोता है, यह ऊर्जा की खपत कम करता है, ये भी सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। 260 नंबर क्वेश्चन है, द जनरल जनरल रेशियो फॉर सोलबल ऑयल एंड वाटर यूज्ड एज कूलेंट इज। घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात शीतलक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये जो रेशियो होता है ये होता है 1:20 का रेशियो, ये क्वेश्चन पहले भी शायद हो चुका है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1:20। शीतलक में घुलनशील तेल और जल को 1:20 के अनुपात में मिलाया जाता है। उच्च गति पर कटिंग करते समय उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को अपने साथ बहाकर ले जाने के लिए शीतलकों का प्रयोग किया जाता है। पानी एक अच्छा शीतलक है, इसकी शीतलन करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। 261 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट ऑल अराउंड कूलेंट फॉर कार्बाइड टूल्स इज। कार्बाइड उपकरणों के लिए सबसे सर्वोत्तम शीतलक कूलेंट कौन सा है? शायद ये भी क्वेश्चन हो गया है, जिसके लिए जो कार्बाइड उपकरणों के लिए सर्वोत्तम शीतलक कूलेंट होता है वो रहता है सोल्युबल ऑयल इन प्लांट, जिसका यह ऑप्शन सही हो जाएगा सोल्युबल ऑयल इन प्लांट। 262 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव अबाउट कटिंग फ्लूड। शायद ये भी क्वेश्चन हो गया है, यानी कटाई द्रवों के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
यह रिड्यूस द हीट जनरेशन, हीट जनरेशन को भी कम करता है। ये सही है, यह धातु के चिपों को धोता है, यह भी यह ऊर्जा खपत कम करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, आला धीरे। 263 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग माइल्ड स्टील वायर्स। निम्न में से माइल्ड स्टील तार के खिंचाव के लिए सबसे उपयुक्त स्नेहक है। ऑप्शन है सोडियम स्टीयरेट, वाटर, लाइम वाटर, केरोसिन। तो माइल्ड स्टील तार के खिंचाव के लिए सबसे उपयुक्त जो स्नेहक हो रहता है वो रहता है लाइम वाटर। 264 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग लुब्रिकेंट्स एंड बाइंडर्स फ्रॉम मेटल पाउडर एडेड ड्यूरिंग ब्लेंडिंग इज कॉल्ड। सम ब्लेंडिंग के दौरान जोड़े गए धातु चूर्ण से स्नेहकों और बंधकों यानी कि लुब्रिकेंट और बाइंडर्स को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है फ्यूसिंग, कंपैक्टिंग, सिंटरिंग और है प्री सिंटरिंग। तो ब्लेडिंग के दौरान जोड़े गए धातु चूर्ण से स्नेहकों और बंधकों यानी कि लुब्रिकेंट और बाइंडर्स को निकालने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्री सिंटरिंग। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, पूर्व सिंटरण। और 265 नंबर क्वेश्चन है, फॉर ड्रिल कास्ट आयरन द लुब्रिकेंट यूज इज। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के लिए कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ऑप्शन है केरोसिन, सोडा वाटर, तारपीन, ड्राई। तो ढलावा लोग जो हम लोग करते हैं ये ड्राई करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राई। ढलवा लोहे की ड्रिलिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। ढलवा लोहा तथा तांबा के मशीनिंग के लिए स्नेहक का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्टील की कटाई के दौरान सल्फराइज्ड ऑयल का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम की ड्रिलिंग के समय केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है परंतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों इसमें हम आप लोगों को 265 कंप्लीट क्वेश्चन करा चुके हैं और वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।